जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणी क्लासरूम में। हम आज करेंगे आपके पास FST 17 का पेपर वन। पेपर के लेवल की अगर आप बात करेंगे तो पेपर अच्छा था, मतलब बिल्कुल हलवा तो नहीं था, अच्छा ही था पेपर। कुछ कुछ सवाल थोड़े कैलकुलेटिव भी थे और जो इंटीजर टाइप आ रहा है उसमें कैलकुलेशन ठीक ठाक आ रही है ना, मतलब उसमें रिजल्ट निकाल पाना थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। तो सारे पेपर टफ की तरफ ही था, ईजी की तरफ तो नहीं था। पर आप वन बाय वन, जैसे मुझे कुछ कुछ में कैलकुलेशन ज़्यादा है तो ठीक है, बाद में जब सोल्व करें थोड़ा हेल्प ले सकते हैं आप किसी डिवाइस की। पर थोड़ा आइडिया देके रखिए कि इतना सा आना चाहिए तो वहाँ से आप टिक कर सकते हैं उस चीज़ को। पर इंटीजर में कुछ कुछ सवालों में देखा जा रहा है, लास्ट पेपर में भी कैलकुलेशन थी, इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन है आपके पास। पर मे बी शायद एग्जाम में कभी आए तो दिक्कत ना हो, इस वजह से प्रैक्टिस के लिए वो ठीक भी है। तो आइए अपना करते हैं सवाल। अब इस पर आपको वही करना चाहिए, पहले आसान सवाल ढूंढ के फटाफट करने चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं वो बहुत टाइम लेंगे, तो वो स्किप करने वाले सवाल थे। तो जो अच्छे सवाल आपको लग रहे हैं आसान, पहले आसान आसान सवाल ढूंढिए, उनका शिकार कीजिए, फिर थोड़ा टाइम बच रहा है, थोड़े मीडियम लेवल वाले पे जाइए, टफ के साथ में स्टक मत हुई। तो ये सवाल रोटेशन का सवाल था और सिंपल सवाल था, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है ये सवाल। इसे बोला गया ऐसा कोई सेटअप है आपके पास में और ये आपके पास सिलेंडर है, दिस इज सिलेंडर। इनिशियल सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो कितना टाइम लगेगा L1 दूरी ट्रेवल करने में, ये उससे पूछा गया। तो मैंने बोला इसका FBD बनाता हूँ मैं। अगर मैं इसका FBD बनाऊंगा यहाँ पे तो क्या लगेगा, ऊपर एक टेंशन लग रहा है, नीचे MG लग रहा है और कहीं कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू 2A, सेंटर मास एक्सेलरेशन लिख दिया। इसका ए नॉट बोल देता हूँ, ए नॉट इसका एक्सेलरेशन हो गया। और ये रोटेट कैसे कर रहा हूँ, कुछ ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ये अल्फा हो गया। ये ट्रांजिशन की इक्वेशन होगी। रोटेशन के लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, टी मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू MR² / 2 मल्टीप्लाई अल्फा। आर ने आर को मार दिया तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखते हैं, इस ब्लॉक के इक्वेशन इसका एक्सटेंशन कुछ नीचे की तरफ ए मान लेता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, 10 - t इज इक्वल टू ए। और एक और इक्वेशन जो आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी, कि इस वाले पॉइंट का जो एक्सीलेशन है वो इसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो ये ए है वो किसके बराबर है, ए है आपके पास ए नॉट प्लस अल्फा आर, नो स्लिपिंग कंडीशन, बिकॉज यहाँ पे तो कोई स्लिपिंग नहीं है ना, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे तो कोई स्लिपिंग नहीं है। तो इस रस्सी का एक्सीलेशन तो ए है, तो इस वाले पॉइंट का ट्रांसिशन की वजह से एक्सीलेशन होगा ए नॉट, और रोटेशन की वजह से कितना होगा अल्फा आर। आप थोड़ा सॉल्व करके देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको। अच्छा, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, 10 - t। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू कितनी है, T/2। और अल्फा आर की वैल्यू कितनी है, अल्फा आर की वैल्यू देखिए जाएगा, एम की वैल्यू 2 है ना आपके पास, यहाँ पे कट जाएगा, अल्फा आर की वैल्यू कितनी होगी, T होगी आपके पास। ये एम इसके लिए लिखा ना हमने, इसका मास 2 था, ये 2 से 2 यहाँ पे साफ हो जाएगा। तो अल्फा आर की वैल्यू कितनी आएगी, T आ गई, यहाँ से T मिल जाएगा आपको। T निकाल के देखते हैं बच्चों, तो यहाँ से T आ गया आपके पास 4, 5, 5 T/2। तो T की वैल्यू कितनी है, 4 न्यूटन, मतलब यहाँ पे जो टेंशन है रस्सी में दैट इज 4 न्यूटन। अब ये 4 न्यूटन है तो ए नॉट मिल गया आपको, कितना है ए नॉट की वैल्यू, ए नॉट की वैल्यू आ गई 2 m/s². अब देखिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करवाने के लिए वही यही एक्सीलेशन रिस्पॉन्सिबल है, तो घुमाने के लिए हमसे बोला गया एल दूरी ट्रेवल करवाना है, तो एल दूरी ट्रेवल करवाने के लिए यही एक्सीलेशन मैटर करेगा। तो आप करेंगे एल इज इक्वल टू हाफ ए की जगह 2 × t², साफ हो गया टी की वैल्यू कितनी आएगी, √L² कहानी खत्म। ये समझ में आ गया, ये फर्स्ट केस था। अगर आप बच्चों बात करेंगे सेकंड केस की, तो सेकंड केस के अंदर क्या है आपके पास, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में अगेन यहाँ पे ऐसे स्फीयर है, यहाँ पे ये बना दिया, यहाँ पे ऐसे ये पुली बना दी, यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया। अब की बार क्या स्लिपिंग नहीं हो रही, मतलब फ्रिक्शन है और प्योर रोलिंग का केस है। अब इस वाले केस में देखते हैं अब क्या इक्वेशन क्या क्या बनेगी। तो बेसिक से करते हैं बिल्कुल, आइए तो हम ऐसे कर देते हैं, हम फ्रिक्शन किस तरफ जाएगा आपके पास, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, तो मैंने लिखा T - F = 2A, ऐसी इक्वेशन बन गई, T - F = 2A। मुझे फ्रिक्शन डायरेक्शन नहीं पता, मैंने ये मान लिया, गलत होगा तो अपने आप आ जाएगा वो। फिर सेकंड आप क्या लिखेंगे, T + F × r = MR² / 2 / α। ये ए नोट हो गया, ये इसका एक्सेशन ए नोट हो गया, और यहाँ पे ऐसे कुछ अल्फा से घूम रहा है ऐसा हो गया। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन होगी। फिर क्या आपके पास ए नॉट इज इक्वल टू अल्फा, एक इक्वेशन क्या, ए नॉट इज इक्वल टू अल्फा। फिर एक इक्वेशन इसके लिए 10 - t = a। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आप देखिए यार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक इक्वेशन इसकी ये भी लिख सकते हैं कि जो इसका एक्सीलरेशन है आपके पास में ए, वो किसके बराबर होगा, ए नॉट प्लस अल्फा आर, तो उसको 2a नॉट बोला जा सकता है। तो यहाँ पे जो ए है आपके पास में दैट इज ए, वो क्या है आपके पास, 2a नॉट के बराबर है, दैट इज 2a नॉट के बराबर है। अब आप वैल्यूज पुट करके थोड़ा सोल्व करके देखते हैं, थोड़ा ऊपर सोल्व कर देते हैं।
तो हमने ये इस एक्सप्रेशन में देख रहे थे, एक इक्वेशन था 10 माइनस टी इज इक्वल टू ए, ठीक है। इन दोनों से कुछ काट के देखते हैं, यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या। थोड़ा सा मैं इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ ना, इस वाले पार्ट थोड़ा मिटा लेता हूँ ताकि हम वो सवाल यहाँ पे कर पाए। आपने ये इतना छाप लिया, इतना क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूँ। अब भाई इक्वेशन सोल्व करने चलते हैं। अगर आप इक्वेशन में देखेंगे, सबसे पहली इक्वेशन तो आपके पास में t माइनस एफ इज इक्वल टू टू ए नॉट। दूसरी इक्वेशन कोरस्पोंडिंग आप बात करें तो आप बोलेंगे सर t प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए नॉट बाई टू। कैसे ये किया देख, r से r साफ हो गया तो ये बन गया r अल्फा। r अल्फा किसके बराबर है, a नॉट, तो m a नॉट बाई टू के बराबर आ गया। यहाँ पे फ्रिक्शन ने फ्रिक्शन को मार दिया तो यहाँ पे आ गया 2t की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, दिस इज बिकम 5m a नॉट बाई टू, ये एक्सप्रेशन आ गया। और इस सॉरी इसके जो 2 है ना आपके पास, ये 1 बन जाएगा ना, यहाँ पे a नॉट आ गया तो यहाँ पे आ गया 3a नॉट, ये बन गया इसका, ठीक है। इसके लिए चेक करते हैं आप, तो इसके लिए क्या लिख रहे हैं आप, ये 10 माइनस टी इज इक्वल टू a, ठीक है जी। और a किसके बराबर है, 2a नॉट के बराबर है, इसको 2a नॉट लिख दिया। अब हम थोड़ा इसको प्रोसीड कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे बात बन जाएगी। तो यहाँ पे बन गया 10, यहाँ पे बन गया 2a नॉट प्लस टी, टी की वैल्यू कितनी है 3 a नॉट बाई टू। इसकी वैल्यू देखते हैं तो कितना आ गया, 4, 5, 6, 7 a नॉट बाई टू, तो a नॉट की वैल्यू जो आ गई 20/7, ये आ गया एक्सीलरेशन। अब क्या करेंगे, l इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ a की जगह कितना 2 दैट 20/7 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, तो 10 बन गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 7/10 और ये एल आ गया। ऐसा ये टाइम पीरियड आ गया, पहले वाले में ये आया था, इसमें ये आया था। आप दोनों का रेशियो जब उठाने जाएंगे t1/t2 तो क्या आ जाएगा, √10/7। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सवाल था, पर आपको बेसिक इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए तब आप इसे इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। कई बार इक्वेशन बहुत सारी हो जाती है तो आप थोड़ा रुक जाइए, रुक के आप देखिए भाई किसको एलिमिनेट करें ताकि आसानी से काम हो सकता है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया सवाल था। सेकेंड सवाल हम देखते हैं, सेकेंड सवाल आपको क्या बोला गया, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, और एक आपके पास में कॉनकेव लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3, और दोनों ही लेंसेज के जो कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो बराबर है, सब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने आपके पास आर है। अब ऑप्शन वाइज ऑप्शन हमें सवालों करना है। पहले ऑप्शन ने बोला इफ कॉम्बिनेशन डिकॉम्बिनेशन बिहेव लाइक ए कन्वर्जिंग लेंस इफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, मतलब अगर आप मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 रखें तो सिस्टम कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है। आइए पहले चेक करके देखते हैं। अगर आप बोलेंगे सर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम बना देते हैं म्यू इज इक्वल टू 1.4, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जो इसकी फोकल लेंथ बनेगी वो देखते हैं कितना, दैट इज म्यू एल बाय म्यू एम माइनस 1 बाय आर 1 दैट इज आर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव ली जाएगी, माइनस 1 बाय आर 2 ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस 1 बाय आर 2 था, आर 2 वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये एक्सप्रेशन बन गया। प्लस इसकी देखते हैं हम इसकी फोकल लेंथ कितनी बनती है इस सेटअप की, दैट इज 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एम, म्यू एल बाय म्यू एम माइनस 1, ओके 1 बाय आर 1, 1 बाय आर 1 इज नेगेटिव माइनस 1 बाय आर, माइनस 1 बाय आर 2, आर 2 इज पॉजिटिव, दिस विल बी अगेन माइनस 1। अब आप देखिए इस वाले टर्म के अंदर ये आपके पास में 1 बाय एफ नेट हो गया ना आपके पास, ये हम पावर कर रहे हैं, मैंने बोला कि इसकी जो पावर है आपके पास में, दिस इज पी वन, दिस पावर इज पी वन एंड दिस पावर इज पी टू, तो हम जो पावर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पावर ऑफ लेंस का, वो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर, 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर, क्लियर। हमें उस मीडियम के अंदर चाहिए, अगर हम देखते थे म्यू बाय एफ एम तो वो आती थी आपके पास में एयर के अंदर कितनी है, पर हमें मीडियम की बात हुई तो हम उसी मीडियम की चर्चा कर रहे हैं, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 बाय एफ एम। अच्छा अब ये वाला टर्म देखिए, पी वन की वैल्यू अब चेक करके देखिए तो ये कैसा आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा इसको देखते हैं अगर, तो ये वाली टर्म कैसी आ रही है आपके पास, ये नेगेटिव है क्योंकि 1 बाय 3 छोटा है 1 बाय 4 से, तो ये टर्म नेगेटिव आएगी, ये भी नेगेटिव, ये भी कैसा है पॉजिटिव। अगर आपके पास नेट पावर पॉजिटिव आ रहा है मतलब कैसा बिहेव कर रहा होगा, कन्वर्जिंग बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है कन्वर्जिंग, ठीक है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 रखा था। सेकंड सवाल में क्या बोल रहा है, अगर हम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 कर दें, आइए अब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना कर देते हैं, मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज 1.6 कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले पहले वाले का लिखते हैं म्यू एल बाय म्यू एम माइनस 1, 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2, 2 बाय आर आ गया। प्लस अब इस वाले की लिखते हैं म्यू एल ओके बाय म्यू एम माइनस 1, 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2 दैट इज माइनस 2 बाय आर। देखते हैं नेट पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है।
अच्छा ये वाला एक्सप्रेशन अब की बार आपके पास नेगेटिव आएगा। कैसे नेगेटिव आएगा? ये वाली टर्म नेगेटिव है, ये वाली पॉजिटिव है, ये वाली पावर नेगेटिव आएगी। मतलब ये जो आपके कॉन्वेक्स लेंस होगा दिस विल बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग ओनली दिस वन। अब हमसे पेयर की बात की गई है कि हाउ दिस होल पेयर विल बिहेव, तो उसके लिए हमें क्या है कि वी हैव एड बोथ द पावर। इफ इट कम्स लाइक पॉजिटिव देन इट विल बी कन्वर्जिंग, और इफ इट इज नेगेटिव देन इट विल बिहेव लाइक डाइवर्जिंग लेंस। तो लेट्स चेक। तो अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल के देखेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी की 0.1 / 1.6 माइनस है तो ये कितना आएगा, दिस विल -3 और -6 6/16 आर। तो ये कितना हो गया आपके पास, तो यहां पे आपके पास जो निकल के टर्म आ रही है दिस विल बिकम 2/8 1/definite। एक बार चेक कर लीजिए, ये बनेगा, इसको पॉइंट पॉइंट हटा दो 15/16। यहां से देखेंगे तो ये बन जाएगा -1/16 और वो गया तो आपके पास दिस विल बिकम -1/8 आर। इसके अंदर अगर हम चेक करेंगे तो ये वाली टर्म बन गई -3/16 और -6/16 -3/8 आर। तो ये प्लस है आपके पास, नेट क्या ऐसा पॉजिटिव कन्वर्जिंग बिहेव करना चाहिए, पर उस ऑप्शन में बोल रहा है डाइवर्जिंग, इस वजह से ए ऑप्शन सही नहीं है। अब बी ऑप्शन के बारे में चेक करते हैं, तो बी ऑप्शन में बोल रहा है कि द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक कन्वर्जिंग लेंस इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव 1.2 एज वेल एज 1.4। 1.4 में तो हमने चेक कर लिया, 1.4 में कैसा आता है कन्वर्जिंग आता है, और 1.6 में भी कैसा आ रहा है आपके पास कन्वर्जिंग आ रहा है। पर अभी एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, कितना है वो, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1.2। इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो μl / μm -1 1/r1 -1/r2 ये 2/r आ गया। प्लस यहां पे देखते हैं μl / μm -1 1/r1 -1/r2 ये -2/r आ गया। लेट्स चेक दिस वैल्यू, दिस विल बिकम 1/4 ओके, और यहां पे 2 से 2 साफ हो जाएगा तो 2/r। दिस टर्म इज पॉजिटिव, यहां पे चेक करके देखते हैं, अब ये टर्म नेगेटिव और ये वाली टर्म पॉजिटिव है, तो ये वाली टर्म होल टर्म विल बी नेगेटिव माइनस का। यहां पे देखेंगे तो कितना है 1/12 1/6 आर। तो जो वैल्यू आपके सोल्व करके आ रही है दिस विल बी 2/6 दैट इज 1/3 आर सही है। तो ये वाली टर्म भी आपके पास कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी कैसा होगा आपके पास कन्वर्जिंग होगा, दिस इज अगेन कन्वर्जिंग। तो आप क्या बोलेंगे कि 1.2 के लिए भी कन्वर्जिंग है, 1.6 के लिए भी कन्वर्जिंग है, और 1.4 के लिए भी कन्वर्जिंग है। तो हमारे पास ए ऑप्शन तो गलत हो गया, बी ऑप्शन बोल रहा है कि इट इज कन्वर्जिंग फॉर 1.2 एज वेल एज 1.4 बिल्कुल सही बात। सी के लिए देखते हैं, कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक डाइवर्जिंग फॉर 1.2 नहीं 1.2 के लिए तो कन्वर्जिंग है, सी गलत है। डी द कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक डाइवर्जिंग फॉर 1.4 एंड कन्वर्जिंग फॉर गलत बात है। क्लियर है, आप समझ में आ गई बात, इसको आप छाप लीजिए। प्रॉब्लम नंबर थर्ड में अगर आप देखेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, सवाल देखते हैं थोड़ा क्या बोला गया। ए सर्टेन सब्सटेंस आइडियल गैस को फॉलो नहीं कर रहा, हैज ए पीवी कर्व एज स्ट्रेट लाइन ए बी, मतलब ये वाला कर्व है उसका, ठीक है। व्हेन सब्जेक्टेड टू एडियाबेटिक प्रोसेस, मतलब ए बी जो आपके पास प्रोसेस है बच्चों कैसा है, एडियाबेटिक है, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ द सेम सब्सटेंस गोज थ्रू प्रोसेस ए सी बी, अगर ए सी बी से जाएगा व्हाट इज द हीट गिवन टू इट, ये हमें निकालना है। तो पहली बात तो ये देखिए यार, अगर हम इस वाले के लिए बात करें फोर प्रोसेस ए बी की, अगर आप बात करें तो ये पी वी इज इक्वल टू NRT4 नहीं कर रहा, मतलब आइडियल गैस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो लगेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ये तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर आप इसको लिखें तो आप क्या लिखेंगे, जो डेल्टा क्यू है वो जीरो है बिकॉज एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो डेल्टा यू की जो वैल्यू है दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और वर्क डन इजीली निकाला जा सकता है। वर्क डन कितना है आपके पास, ए बी का वर्क डन, वर्क डन ए बी का देखते हैं, ये तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा वर्क डन आपके पास, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व बच्चों कितना हो गया आपके पास, एरिया अंडर द कर्व हो गया, देखिए यहां पे तो आ गया 1 लीटर मल्टीप्लाई 10^5 प्लस इसका अगर आप देखेंगे इतने वाले पोर्शन का ट्रायंगल वाले का दैट इज 1/2, बेस की वैल्यू कितनी 1 और ये कितना 10^5, तो नेट कितना आ गया दैट इज 3/2 मल्टीप्लाई 10^5 और ये है आपके पास लीटर और ये पास्कल, लीटर पास्कल। अब लीटर को कन्वर्ट किया जाए मीटर क्यूब में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 m³ इज इक्वल टू कितना 1000 लीटर होता है, तो अगर आप बात करें 1 लीटर की तो 1 लीटर कितना है 1/1000, क्लियर।
तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, दैट इज 3/2 मल्टीप्लाई 10^5, और ये एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा 1/1000, दिस इज 1/1000। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 300/2, इसका मतलब 152, मतलब वर्क डन आ रहा है इतना। तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा, तो डेल्टा यू यहां से जो निकल के आएगा आपके पास डेल्टा यू आ जाएगा, दैट इज -152। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। हमें ये डेल्टा यू नहीं निकालना था, हमें क्या करना है इस वाले प्रोसेस में जो हीट सप्लाइड है वो हमें निकालना है। तो हमने क्या लिखा इसके लिए, अब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं ए सी बी प्रोसेस की, तब देखिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क। तो अगर आप बात करें डेल्टा क्यू, तो वो हमें निकालना है। डेल्टा यू की वैल्यू पता है बिकॉज जो आपके पास में जो इंटरनल एनर्जी है वो आपके पास में स्टेट फंक्शन है। तो फाइनल पोजीशंस यहां से यहां पे देखिए, चाहे एसीबी में देखिए, दोनों में डेल्टा यू सेम आएगा, और वो कितना है, दैट इज -150 जूल। तो मैं लिखा -150 जूल प्लस वर्क डन देखा जाए भाई साहब, वर्क डन क्या आएगा इस प्रोसेस का, ये पूरा एरिया आएगा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी 1 लीटर मल्टीप्लाई 2 × 10^5। तो यहां पे कितना है -150, 1 लीटर कितना हो जाएगा आपके पास 1/1000, ये 200 जूल। तो नेट आपके पास निकले कितना आएगा डेल्टा यू आएगा 50 जूल। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। सिंपल सवाल था, आपको फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स यूज करना था और आप इसलिए इसको कर पाएंगे। प्रॉब्लम नंबर फोर्थ की अगर आप बात करें ना, वो चार्ज गिवन है, क्यू हमने लिख दिया, कितना की चार्ज आपके पास, दैट इज +10 μC, इतना चार्ज है आपके पास। मास कितना है, मास है 1 ग्राम। ठीक, इज मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी भी गिवन है, कितना 10^6 m/s, और कितने अगर प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री पे आपने इसको प्रोजेक्ट किया। इट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन, इसका मतलब थोड़ा देखते हैं, फील करिएगा ना बात को आप, इस तरफ आपने फेंका कितनी स्पीड से, 10^6 m/s से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फोर्स किस तरफ लग रहा है, इसने बोला इसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो अंदर की तरफ है आपके पास, अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। इट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स नेगेटिव व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड। ठीक है, चलो अभी देखते हैं, ये बोला ना इसने, एक बार डाटा चेक कर लें। अब इस वाले केस में क्या फोर्स किस तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। अब आप देखिए, जो हम आशीर्वाद मेथड करते हैं, उससे आप मुझे बताइए फोर्स अंदर की तरफ कब आएगा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, इस वाले केस तरफ होगा। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ये वाला आएगा B1, और कोई होगा तो इसके पैरेलल आ सकता है, और कोई डायरेक्शन में आएगा नहीं। तो ये इतनी बात समझ में आ गई यहां से, तो यहां से हमें फोर्स की डायरेक्शन पता थी, हमें पता जब हम लगाते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस B, तो हम इसे QVB लिख देते हैं, QVB लिख देते हैं। पर उस वाले केस के लिए क्या होना चाहिए, तीनों आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर फोर्स आपके अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस तरफ आना ही आना चाहिए, ये तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा हो सकता है इसके पैरेलल डायरेक्शन में कोई आए, पर उसको ये वाला केस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अब दूसरे में चलते हैं, इसने बोला कि व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड विद 10^6 m/s अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है जी, इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं बाहर की तरफ, प्रोजेक्ट कर दिया आपने किस स्पीड से, 10^6 m/s। इट एक्सपीरियंस दिस टाइप दिस काइंड ऑफ फोर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन। आपने इसको इधर प्रोजेक्ट किया, फोर्स किस तरफ लगना चाहिए आपके पास, इस तरफ फोर्स लगना चाहिए। प्रोजेक्ट आपने बाहर की तरफ किया, फोर्स इस तरफ लगना चाहिए। तो क्या होगा दोस्त, ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही होगा ना, फोर्स इधर वी इस तरफ, आशीर्वाद नीचे की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा आपके, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ रहेगा आपके पास, को बी बाई बोल देते हैं। अच्छा, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, हमने लिखा क्यू वी बी, हमने तीनों परपेंडिकुलर लेके चले हैं, तो हम सीधा डायरेक्टली लगा लें क्यू वी बी, और ये फोर्स कितना है आपके पास, दैट इज 10^-2। अच्छा, क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू की वैल्यू गिवन है क्या सवाल में, हाँ 10 μC यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 μC, तो 10^-6, वेलोसिटी +6, बी की वैल्यू हमें निकालना है, ये साफ ये साफ, दिस इज 1/100, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/1000, और किस तरफ -j कहते हैं, एक भी तो ये वाला आ गया आपके पास। अब इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नेट जो b होना चाहिए वो इसी तरफ होना चाहिए, या फिर एक इसकी कोई डायरेक्शन में हो सकता है, मेरी बात समझ में आ रही है। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, या तो b नीचे होना चाहिए या फिर इस b की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आपको समझ में आया, ये वाला तो by आ गया आपके पास, इतना तो है ही है। तो बस एक अगर ये वाला by अगर आपके पास आ गया, मतलब एक्चुअल में नेट फिर यही है, नेट फिर यही है। अब इसका कोई कंपोनेंट बन रहा होगा यहां पे, ये वाला जो आ रहा है वो क्या आ रहा होगा, इसे कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट बनने, ये वाला और एक ये वाला, तो हमें इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा था यहाँ पे।
तो हमें समझ में आ गया सर जी, ये वाली बात तो श्योर है कि इस तरफ बी वाई है, हमने उसकी वैल्यू निकाल दी, भाई वो कुछ ऐसा बी वाई है आपके पास में, और इधर अगर आप देख रहे थे तो इसके डायरेक्शन में कुछ होना चाहिए था, पर वो इसके हिसाब से पता नहीं लग रहा, बिकॉज अगर वो होता इस वाले डायरेक्शन में तो यहाँ पे भी वो फोर्स एक्सपीरियंस करवाता, पर ऐसा यहाँ पे हो रहा नहीं है। तो आपको समझ में आ गया सर ये बी है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन मैच कर जाएगा, 10^-3 टेस्ला किस डायरेक्शन में, -j के डायरेक्शन में। क्लियर है? आप चाहे तो वो गणित से कर सकते हैं, मैंने गणित से नहीं किया, आप गणित से एनालाइज करना चाहते तो पूरा फॉर्मूला लिखिए, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, आप वैल्यू पुट कीजिए आई कैप जे कैप की फॉर्म में, आपको वहां से भी रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा पूछिए। फिफ्थ सवाल बच्चों सिंपल था, पर आपको जो जो ऑप्शन से बोला गया वो ढंग से इंप्लीमेंट करके आपको निकालना है। ऐसा डायग्राम आपको बना के दिखा रखा है, तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम, और आपको बोला गया कि ए और बी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA-VB वो कितना है आपके पास, 300 वोल्ट। तो हमें इसमें ऑप्शन बाय ऑप्शन चलना पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन में कुछ कुछ केस बोला है। तो सर आप ए ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ए ऑप्शन बोल रहा है इफ अपर मीटर M1 इज आइडियल वोल्ट मीटर एंड लोअर इज आइडियल अमीटर। ठीक है, तो अब आप ये देखिए आइडियल अमीटर की क्या कंडीशन होती है, आइडियल अमीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी हो, 0 हो। आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो, इन्फाइनाइट हो। मतलब ये तो ऐसे ओपन बन गया अपने आप में, बना दिया। ठीक है, और ये M1 है आपके पास, और ये जो M2 है वो ऐसे शॉर्ट हो गया। ठीक है, ऐसा ही बन गया कुछ आपके पास। अब देखो यार, इसका जो पोटेंशियल है वो 0 मान लो, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात पूरे में 0 0 0 हो जाएगा, और यहां पे कितना है आपके पास, 300, यहां पे भी कितना हो गया, 300 हो गया। अब देखिए ये अपने आप में ओपन था, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये इतनी रेजिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज ये यहां पे जंक्शन तो है, पर ये जंक्शन एक्चुअल में ओपन है, तो आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने बोला शॉर्ट तब होता है जब बीच में कोई जंक्शन ना हो या फिर बीच में कोई बैटरी ना हो। आप बोल सकते हैं यहाँ पे जंक्शन आ तो रहा है, पर वो जंक्शन नहीं है ना, वो वोल्ट मीटर का है, तो ओपन है वो, जिस वायर को हटाने तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा करंट के अंदर, इससे कोई करंट आना जाना नहीं है। तो इससे कोई करंट नहीं आना जाना, तो आपको ड्रॉप करना है, तो इससे करंट कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, मतलब सिर्फ इससे करंट फ्लो करेगा। तो अगर आप इस वाले केस में देखेंगे कि ऊपर वाला आइडियल वोल्ट मीटर है और ये अमीटर है, तो इससे बोला रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, तो इन दोनों पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस देखता हूं, तो यहां पे 0 तो यहां पे भी 0, क्योंकि यहां से कोई करंट जा रहा नहीं है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 300 वोल्ट, मतलब ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं बी ऑप्शन के ऊपर। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बोथ आर आइडियल वोल्टमीटर, बोथ आर आइडियल वोल्टमीटर, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी अपने आप में ऐसे ओपन है और ये भी अपने आप में ऐसे ओपन है, और यहां पे कितना 300 वोल्ट और यहां पे कितना 0 वोल्ट, तो ऑब्वियसली ये तीनों जो रेजिस्टेंस है आपके पास आपको सीरीज में दिखाई देगी इस केस में, तो करंट कितना फ्लो करेगा बच्चों, 1 एम्पियर फ्लो करेगा। तो आपसे क्या पूछा गया, इफ बोथ वोल्टमीटर आर आइडियल, इफ बोथ द मीटर्स आर आइडियल वोल्टमीटर, ठीक है बना दिया, दे विल शो, इसकी रीडिंग पूछिए वोल्टमीटर की, तो ये मेजर कर रहा है इन दोनों पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना आएगा, IR 200, ये शो कर रहा है इन दोनों के बीच का, दैट इज अगेन IR 200, तो ये बात भी सही है, 200 दोनों का आ रहा है, बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। फिर बोला गया इफ बोथ मीटर आर आइडियल अमीटर, आइए बना के देखते हैं, इसको आप ऐसे बना दीजिए, इसको आप ऐसे बना दीजिए, ठीक, तो यहां पे 0 तो बच्चों यहां पे भी 0, अच्छा यहां पे 300 तो यहां पे भी कितना, 300, तो ये शॉर्ट नहीं है। क्यों शॉर्ट नहीं है, बिकॉज इन दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस 0, पर बीच में जंक्शन है और ये जंक्शन वर्किंग है, इससे करंट इधर जा सकता है। यहां पे जो बीच में जंक्शन था ये आपके पास में ओपन था, तो ये नाम का जंक्शन था, ये जंक्शन था ही नहीं एक्चुअली। तो अब आपसे क्या पूछा गया, इसमें करंट पूछा गया, करंट तो इसमें देखते हैं इसमें कितना करंट आएगा, यहां पे 3 एम्पियर आएगा, यहां पे कितना आएगा, 3 एम्पियर आएगा, और डायरेक्शन देख लीजिए, यहां पे 300 0 तो इधर 3 एम्पियर, यहां पे इधर 3 एम्पियर और इधर इधर 3 एम्पियर। अब देखिए यहां से 3 यहां से 3 तो इसमें कितना जाएगा, 6 एम्पियर। सिमिलरली आप देखिए यहां से कुछ आया होगा, इधर 3 गया, इधर 3 गया, तो यहां से 6 एम्पियर। बस दोनों जो मीटर है वो कितनी रीडिंग देंगे, 6 एम्पियर की रीडिंग देंगे। अभी हम बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, इफ अपर अमीटर इज आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है ऊपर वाले को आइडियल वोल्ट मीटर बना देता हूं, देखिए बना दिया, और जो लोअर वाला है उसको अमीटर बना दीजिए, आइडियल अमीटर बना दीजिए, ठीक है आइडियल अमीटर बना दिया। अब देखिए यहां का ये वही केस है, पहले वाला केस है, यहां पे 0 था तो यहां पे 0 हो गया, यहां पे 300 हो गया, ये दोनों रेजिस्टेंस शॉर्ट होगी, तो इससे कितना एम्पियर करंट आया, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर कहां से जाएगा, यहां से जाएगा 3 एम्पियर। तो इससे क्या बोला, रीडिंग ऑफ अमीटर विल बी 3 एम्पियर, हाँ हमें दिखाई दे रही है। तो बच्चों सवाल सिंपल था, पर पेशेंस रखना है, मल्टीक्रैक की प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि बाद में एग्जाम में आए तो हम घबराएं ना मल्टीक्रैक से। एक्चुअली हमें मल्टीक्रैक अभी दिक्कत इसलिए लगता है, बिकॉज हमें सिंगल ट्रैक की ज्यादा प्रैक्टिस है, अगर मल्टीक्रैक की ज्यादा होती तब हमें लगता है ठीक है मल्टीक्रैक प्रैक्टिस करते ही आ रहे हैं। तो आपको वन बाय वन सब ऑप्शन देखने जैसे ढंग से, तो आप इसको ईजिली कर पाते, ये ईजी सवाल था, आपसे होना चाहिए था।
क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ सकता है, पर सवाल आसान था। सवाल बोला कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस ऐसे सिस्टम मूव कर रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, दिखा रखा है। अब बच्चों होगा क्या, जो ईएमएफ इस बैटरी के मतलब इस रोड के अक्रॉस इंड्यूस होगा वो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट में, तो एक बात देखिए, अगर ये यहां से कुछ एक्स दूरी पे है, अगर ये एक्स दूरी पे है तो उस टाइम पे जो ये वाली विड्थ होगी वो होगी एक्स टेन अल्फा। इतना सही है। जो ईएमएफ इंड्यूस आता है, ईएमएफ दैट इज डेल्ट वी क्रॉस बी डॉट डीएल, इसको हमने बोला था VBL लिख लीजिए, V परपेंडिकुलर, B परपेंडिकुलर, L परपेंडिकुलर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। देखिए वेलोसिटी इधर है, L ये रहा, दोनों में आपस में परपेंडिकुलर है और B अंदर की तरफ है, तो तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली प्रोसीड करेंगे तो ये आएगा आपके पास V की जगह, तो V आ गया, ठीक है, और B की जगह ये क्वेश्चन वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, V, B की जगह B और L की जगह कितना आ गया x tan अल्फा, ये आपके पास में ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब सबसे पहले जो पूछ रहा है आपसे वो क्या पूछ रहा है, करंट की बात कर रहा है, करंट की, तो सबसे पहले हम क्यू की बात करते हैं, क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी बी एक्स टेन अल्फा, ऐसा आ गया क्यू, ठीक है। अगर बच्चों क्यू आपके पास में कुछ ऐसा आ गया तो करंट क्या होगा, आई होगा डी क्यू बाई डी टी, आई विल बी डी क्यू बाई डी टी, इसको चेक करते हैं कितना बनता है, ये सी वी स्क्वायर बी टेन अल्फा, ऐसा ही बना ना, जो डी एक्स बाई डी टी है वो क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन। अगर ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, ये एक्सप्रेशन क्या है कांस्टेंट, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए आई वर्सेस टी का, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसमें कुछ वेरी नहीं कर रहा, पर वो ऐसा हो नहीं रहा, इस वजह से ये तो गलत है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द रोड, एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा, आपको पता है इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं, तो अपने आप तो मूव नहीं करेगा, क्यों नहीं मूव करेगा, बिकॉज ये करंट कैरिंग वायर है और करंट कैरिंग वायर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखिए तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसका रिटार्डेशन होना चाहिए था पर आपने रिटार्ड नहीं होने दिया, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था उतना आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना आता है आपके पास, एफ आता है आई एल बी, होता एक्चुअली ये है आई, आपके पास में ये लिखते हैं ना हम एफ इज इक्वल टू आई, ये लिखते हैं आई एल बी लिखा जा सकता है, ठीक है, नहीं डीएल क्रॉस बी ना, आई डीएल क्रॉस बी, ये एक्सप्रेशन आता है आपके पास। अच्छा ये एक्सप्रेशन आता है तो हम इसे क्या करें, हम इतना नहीं करते, हम सीधा लिखते हैं आई एल बी लिख लो, पर तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो आपकी बार अगर आप देखेंगे तो आई किस तरफ है आपके पास, मतलब आई की डायरेक्शन है ही नहीं, एल ओ बी की बात करनी हो कर देते, देखिए अभी I तो ऐसे फ्लो कर रहा है आपके पास में, यहाँ पे ऐसे बैटरी बन रहा है ना, ये ऐसे बैटरी बन रहा है, I ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स किस तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो अगर आप इसे लिखेंगे तो ये आपके पास आ गया, I की वैल्यू है, L की वैल्यू कितनी होगी आपके पास x tan अल्फा, और B की जगह कितना आ गया, B आ गया, ये आ गया बच्चों फोर्स आ गया। अच्छा इसकी वैल्यू देखते हैं तो क्या बन रहा है, सी वी स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा और मल्टीप्लाई एक्स, मतलब एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास आ रहा है। पर सवाल में टाइम के साथ ही पूछा है, तो एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स को देखिए अगर आप यहाँ पे ग्राफ डायग्राम में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स नॉट, मतलब एक्स नॉट से पहले रोड नहीं थी, रोड यहीं से शुरू हो रही है चलनी, तो अगर आप एक्स की पोजिशन देखें तो कितना आएगा एक्स नॉट प्लस बी टी, ऐसे लिखा जाएगा, आप लिख दीजिए इस एक्सप्रेशन में कितना बचेगा, सी वी स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा और एक्स की जगह कितना आ गया आपके पास एक्स नॉट प्लस बी टी, आप इसे ग्राफ बनाइए तो जो आपके ऑप्शन में बना हुआ है वो सही ग्राफ है, वो मैच कर जाएगा। फिर बोला गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम लोअर एंड, डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम लोअर एंड, तो यार वो तो मिड पे लगेगा, मतलब चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स की बात करें चाहे एक्सटर्नल फोर्स की बात करें, वो हमें इसके बिल्कुल मिड पे लगाना पड़ेगा, तो मिड पे लगाना पड़ेगा, तो मिड क्या है, मिड आपके पास जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी कितना हो जाएगा आपके पास x tan अल्फा डिवाइड बाय 2, अच्छा x को क्या लिखा जा सकता है x नॉट प्लस vt tan अल्फा डिवाइड बाय 2, तो ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है, तो इसका एक्सप्रेशन भी सेम आएगा आपके पास जो ग्राफ में बना रखा है, ऐसी तो ये लाइन जैसी बनेगी ना आपके पास, यहां से ऐसे चल रही है, ठीक है। फिर आपसे लास्ट वाले में क्या बोला गया, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो वो क्या बनेगा, u इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c, q को क्या लिखेंगे, q को लिख दिया हमने cvb tan अल्फा का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2c, तो यार ये जो ग्राफ बन रहा है आपके पास वो कुछ u है, u स्क्वायर सॉरी u इज प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट प्लस vt का स्क्वायर,
तो अगर आप देखें t इज इक्वल टू जीरो पे u जीरो नहीं आना चाहिए, आएगा तो पैराबोला पर थोड़ा सा ऊपर से कुछ शुरू होगा ना आपके पास में, तो आप देखेंगे तो ये d ऑप्शन में जो है वो ओरिजिन से शुरू किया, इस वजह से वो मैच करेगा नहीं। नहीं तो अगर वो ओरिजिन से शुरू ना होके ऊपर से शुरू होता तो वाली बात सही बैठ जाती, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, वो हो जाता है यहाँ पे। तो आपके कौन कौन से ऑप्शन मैच कर, दो ऑप्शन मैच करके ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ठीक है। एट्थ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, सिंपल सवाल है, आपने रिएक्शन सीखी थी सबसे पहले। इसने क्या बोला, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए डीके टू सी आफ्टर एमिटिंग टू अल्फा एंड थ्री बीटा पार्टिकल। ए सी में टूटा, टू अल्फा थ्री बीटा पार्टिकल आपने डीके कर रहा है। इसका एटॉमिक नंबर कुछ जेड मान लीजिए, मास नंबर कुछ एक्स मान लीजिए। तो यहाँ पे नीचे वाले सब बैलेंस होने चाहिए, एटॉमिक नंबर बैलेंस होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर आ रहा है माइनस थ्री, नेट कितना बचा है प्लस वन, तो यहाँ पे कितना है माइनस वन है, ताकि नेट सम मिलकर वापस जेड बन जाए। सिमिलरली अगर आप एक्स में देखेंगे तो यहाँ पे कितना रहा है एट आ रहा है, तो यहाँ पे कितना रहा है एक्स माइनस एट, ठीक है। अब अगर आप बात करेंगे बी की, तो बी के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो बी के बारे में सवाल में बोला गया आपको कि बी डीके इंटू सी एमिटिंग वन अल्फा पार्टिकल फाइव बीटा पार्टिकल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इधर नेट कितना बन रहा है आपके पास, दिस इज माइनस फाइव ना, दिस इज माइनस फाइव, ओके। यहाँ पे टू, तो नेट कितना हुआ आपके पास माइनस फाइव, दैट इज माइनस थ्री, माइनस थ्री, तो यहाँ पे कितना है प्लस थ्री आएगा ना यहाँ पे, अब बैलेंस हो गया। अब चेक करिए, यहाँ पे टू था, यहाँ पे कितना था माइनस फाइव था, तो यहाँ पे कितना होगा टोटल माइनस थ्री होगा, यहाँ पे प्लस थ्री होगा, तब जाके पी बनेगा। मास में चेक करते हैं, यहाँ पे क्यू माइनस फोर कर दिया, यहाँ पे फोर है, ऊपर दोनों बैलेंस हो गया, इतनी बात सही। तो इसे पहले ऑप्शन बोल रहा है मास नंबर ऑफ ए माइनस मास नंबर ऑफ बी कितना है, मास नंबर ऑफ ए माइनस मास नंबर ऑफ बी। तो यार ये तो एक ही एलिमेंट है आपके पास, तो क्या होना चाहिए एक्स माइनस एट किसके बराबर होना चाहिए, क्यू माइनस फोर। एक्स क्या है यहाँ पे मास नंबर ऑफ ए, क्यू क्या है मास नंबर ऑफ बी। आप यहां से देखिए कितना आ रहा है, एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू फोर, ठीक है। एटॉमिक नंबर बात करते हैं, एटॉमिक नंबर के लिए क्या लिखेंगे, जेड माइनस वन इज इक्वल टू पी प्लस थ्री, निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहां से जो बना आपके पास, दैट इज जेड माइनस पी इज इक्वल टू फोर, मतलब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस और मास नंबर का डिफरेंस दोनों कितना आ रहा है, फोर फोर आ रहा है। तो ए ऑप्शन तो सही हो गया पर बी गलत हो गया। फिर ऐसे क्या बोला गया, वेन ए एंड बी हैव इक्वल पॉपुलेशन, वेन ए एंड बी हैव इक्वल पॉपुलेशन। इक्वल पॉपुलेशन के लिए क्या करें हम, देखिए इसका इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस फोर एन नोट था, इसका एन नोट था, इसका टी हाफ वन आर है, इसका टू आर है। तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू होगी एन नोट, एन इज इक्वल टू एन नोट, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा की जगह कितना लिखेंगे हम, एल एन टू डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई टी, यही आएगा। तो इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस आएंगे आपके पास टी टाइम बाद, वो कितने आएंगे, तो इनिशियल एन नोट थे, तो एन नोट ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे एल एन टू बाई टू टी इज इक्वल टू, इसके बारे में लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा, दैट इज ln 2 बाय 1 मल्टीप्लाई t। n नॉट ने n नॉट को साफ कर दिया, ठीक है जी। अब यहां से अगर हम चेक करेंगे तो e टू द पावर कितना आ जाएगा, ln 2 बाय 2 t इज इक्वल टू 4, सही है ये एक्सप्रेशन, यहां पे एक माइनस नहीं प्लस हो गया, ये इसके नीचे गया तो ऊपर चला गया, ln 2 माइनस ln 2 बाय 2 t, तो ये आ गया इतना आपके पास। यहां से क्या बन गया, एल एन टू बाई टू टी इज इक्वल टू एल एन फोर, एल एन फोर कितना होगा ट्वाइस ऑफ एल एन टू, ये साफ हो गया। तो टी की वैल्यू कितनी होगी, फोर डेज, मतलब फोर डेज के बाद दोनों की पॉपुलेशन सेम हो जाएगी। अच्छा ठीक है, पर इसको ये सब बात ही नहीं है, इसने ये बोला कि उस टाइम पे सी की पॉपुलेशन कितनी होगी, तो सी की पॉपुलेशन क्या, तो फोर डेज बाद में इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये फोर एन नोट से पहले बनेगा टू एन नोट, टू एन नोट से फिर कितना बनेगा एन नोट, फिर कितना बनेगा एन नोट बाई टू, क्लियर है। वन हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ चाहिए, टोटल फोर चाहिए ना, तो वन टू थ्री एक और कर दो एन नोट बाय फोर, मतलब फाइनली ये एन नोट बाय फोर बचेगा, ए एन नोट बाय फोर बचेगा, कितना चला गया सी में, तो यहां से सी में चला गया फोर एन नोट माइनस एन नोट बाय फोर, तो कितना गया फिफ्टीन एन नोट बाय फोर, ये तो सी बन गया इस वाली रिएक्शन से। यहां से अगर आप चेक करेंगे तो यहां से कितना आएगा आपके पास, इनिशियली कितना था एन नोट, फिर उससे कितना हो गया एन नोट बाय टू, अरे सही है, फिर उसके बाद कितना हो गया एन नोट बाय फोर, तो यहां से जो मिलेगी सी की पॉपुलेशन वो कितना है थ्री एन नोट बाय फोर। तो अगर आप नेट निकाल के देखेंगे, नेट मतलब क्वांटिटी ऑफ सी, ऑफ सी नेट कितनी बनेगी आपके पास, दिस इज 15 एन नोट बाय 4 प्लस 3 एन नोट बाय 4, तो यहां पे कितना 18 एन नोट बाय 4, क्लियर। तो यहां पे कितना आ गया आपके पास, दैट इज 9 एन नोट बाय 2, 9 एन नोट बाय 2, ठीक। तो ये आपका सी भी मैच कर रहा है। फिर इसने बोला था डीके रेट ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, डीके रेट करना है, डीके रेट क्या होता है, लैम्डा मल्टीप्लाई एन होता है। तो मैंने क्या लिखा, एल एन टू बाय
वन आर मल्टीप्लाई एन नोट मल्टीप्लाई फोर एन नोट ई टू द पावर लैम्डा टू बाई वन टी इज इक्वल टू, इसके लिए लिखा लैम्डा मल्टीप्लाई एन नोट, तो लैम्डा कितना है इसका टी हाफ एल एन टू बाई टू एन नोट ई टू द पावर माइनस एल एन टू बाई टू मल्टीप्लाई टी। क्लियर है, इक्वेशन लिखिए लैम्डा मल्टीप्लाई एन लिखा है, ये तो लैम्डा लिख दिया इसका, इस वाले रिएक्शन का लैम्डा कितना एल एन टू बाई टाइम दैट इज टी हाफ दैट इज वन आर, और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियर किसी इंस्टेंट पे दैट इज फोर एन नोट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। सिमिलरली इसके लिए किया पहले टी हाफ लैम्डा लिखा फिर एन नोट लिखा, साफ करने जाते हैं तो ये भाई साहब यहाँ से यहाँ पे साफ हो गया एन नोट, यहाँ से यहाँ पे साफ हो गया, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास ई टू द पावर, क्लियर, और ये एक्सप्रेशन कितना चला जाएगा उधर आपके पास दिस विल बिकम वन बाई एट, सही किया क्या, यहाँ पे माइनस आएगा आपके पास और ये वन बाई आ गया, ठीक है। अब आप एल एन उठा लीजिए, एल एन उठाएंगे तो कितना बन जाएगा एल एन टू बाई टू टी इज इक्वल टू थ्री एल एन टू, ये साफ हो गया यहाँ पे, तो टी की वैल्यू कितनी सिक्स डेज, तो सिक्स डेज के बाद में दोनों की एक्टिविटी बराबर हो जाएगी। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, ए ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही होगा। सवाल सिंपल था, पहले मल्टीग्रेड था तो हर एक ऑप्शन को चेक करना वो सोल्व करना तो अपने आप में वो सवाल बड़ा हो जाता है थोड़ा ना, ठीक है बच्चों आप सब छाप लीजिए। नाइन्थ नंबर प्रॉब्लम, सिंपल सवाल है, आप लैंग्वेज से ढंग से पढ़नी है सवाल की। सारे बोल रहा है एक पाइप है और उस पाइप के अंदर सबसे पहले ओजोन गैस है और ओजोन गैस आपको फर्स्ट हार्मोनिक शो कर रहा है एल लेंथ के अंदर, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, मान लीजिए को ट्यूनिंग पॉक की फ्रीक्वेंसी जिसे कॉरेस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट दे रहा है वो एफ है, तो एफ क्या आएगा आपके पास में ये फर्स्ट हार्मोनिक में कितनी फ्रीक्वेंसी है वी बाई फोर है, और वी को किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, आप गैस वैस का नाम गिवन है इस वी को लिख देते हैं अंडर रूट गामा आर टी बाई एम बाई फोर एल, गामा की वैल्यू पुट कर देते, गामा की वैल्यू कितनी 4 बाई 3 आर टी, और एम की वैल्यू कितनी ये ओ थ्री है, ओ थ्री है तो कितना हो जाएगा आपके पास 48 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे आ गया 4L। अच्छा इसमें अगर आप फ्रिक्वेंसी निकालने जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा V बाई 4L, इसके लिए भी अगेन यही बात है, तो F इज इक्वल टू V बाई 4, पर अब की बार पाइप की लेंथ को बोला गया कि 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया तब जाके फर्स्ट हार्मोनिक मिल रहा है, तो आप इसे क्या लिखेंगे L बाई 10, तो यहाँ से हमारे पास जो L है वो सेंटीमीटर में हमने मान लिया। अब इसके लिए V की वैल्यू लिखी जाएगी अंडर रूट गामा 7/5 बिकॉज डायटोमिक गैस है आर टी बाई एम, अच्छा एम कितना होगा आपके पास ये एन टू गैस है ना, एन टू है इसके अंदर गैस, तो एन टू है तो कितना 28 हो जाएगा डिवाइडेड 4 एल प्लस 10, अब दोनों को बराबर कर दीजिए, दोनों को बराबर करने जाएंगे तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे बनेगा, ये काट देते हैं ना, तो यहाँ पे तो बन गया अंडर रूट 1/36 डिवाइड बाय 1/4 है, यहाँ पे क्या बन गया आपके पास ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे तो 20 आ गया और यहाँ पे आ गया 1/4 एल प्लस 10, 4 ने 4 को मार दिया आपके पास, दोनों तरफ स्क्वायर उठा दीजिए तो 1/36 मल्टीप्लाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/20, यहाँ पे आ जाएगा 1 एल बाई 10 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने जाएंगे थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसमें, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएंगे आपके पास, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक बनेगा सॉल्व करना पड़ेगा, देख लेते चलो करके, तो ये आ गया 9 और ये आ गया 5, थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे इसको, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बन रहा है 5 एल स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20 एल इज इक्वल टू 9 एल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 4 एल स्क्वायर माइनस 20 एल माइनस 100 इज इक्वल टू 0, 4L square minus 100L ना, this will become 100. ये 5L square उधर गया तो 4L square और यहाँ पे बन जाएगा minus 500. दो मिनट, this will become minus 100. ये सही था, यहाँ पे बन जाएगा ना minus 500. सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा 25L और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास minus 125 is equal to 0. आप सोल्व करके देखिए, सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है थोड़ा अप्रोक्सीमेट आएगा और अप्रोक्सीमेट आएगा, मान लो एल की कुछ वैल्यू आ गई ना आपके पास, यहाँ से आप एल सोल्व कर देंगे। अब इस सबसे पहले पूछा गया क्या कि वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन ओजोन इज अप्रोक्सीमेट, तो लैम्डा इन ओजोन कितना आएगा आपके पास, दैट इज एल किसके बराबर था यहाँ पे वो निकालना था, मैंने कहा एल किसके बराबर था दिस वॉज लैम्डा बाय 4 ना, एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, लैम्डा कितना आ जाएगा 4L आ जाएगा, ये लैम्डा ऑफ O3 आ गया, ठीक है। अगर आप बात करेंगे N2 के लिए
कि नाइट्रोजन का कितना था, लैम्डा ऑफ एन टू कितना है बच्चों आपके पास, दिस विल बी 4 × L + 10, ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है ना, ऐसे हो जाएगा आपके पास। और फिर आपसे बोला गया फॉर सेकंड रेजोनेंस इन ओजोन द वॉटर कॉलम मस्ट बी शिफ्टेड बाय दिस। तो यार आपको अगर सेकंड रेजोनेंस चाहिए किसके अंदर, ओजोन के अंदर सेकंड रेजोनेंस चाहिए, इसका मतलब कितना आपको जो एल बनाना है कितना बनाना है, 3 λ/4 बनाना है, 3 λ/4, तो आपको इतना लेंथ का कर देना है। तो इनिशियली आपको एल पता था, उसका डिफरेंस कर दो तो यहां से वो मिल जाएगा कि कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली आपसे पूछा गया फॉर नाइट्रोजन गैस, तो आपको सेकंड हार्मोनिक है, सॉरी सेकंड इस नेक्स्ट वाला जो पॉसिबल है दैट इज थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवर, सॉरी फर्स्ट ओवर टोन आप उसे बोल सकते हैं। तो उसकी जो वेवलेंथ आएगी वो कैसा बनेगा आपके पास, इस नेक्स्ट वाला मोड कुछ ऐसा बनेगा ना। तो यहाँ पे ये जो एल डैश नया आएगा वो किसके बराबर आएगा, 3 λ/4 के बराबर आएगा। इसमें एल तो था वो λ/4 के बराबर था। तो आप करेंगे तो सॉल्व करके रिजल्ट मिल जाएगा, पर अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिलेगा ना, ये एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा अप्रोक्सीमेट मिलेगा। आप रूट से सॉल्व कर लीजिएगा, वहां से कुछ वैल्यू आएगी आपके पास, उससे अगर प्रोसीड कीजिएगा तो आ जाएगा। पर अगेन सवाल में थोड़ी कैलकुलेशन थी आपके पास, पर रूट 5 आपको गिवन है तो आप थोड़ा हेल्प मिल जाएगा आपको, आप कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों, छाप लीजिए। टेंथ सवाल आपके पास जो है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए रीड का ग्राफ कैसे बनता है। मान लीजिए आपको पता है कि वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ग्राफ पता है ए साइन ओमेगा टी का, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का ग्राफ कैसा बनेगा अगर फाइव पॉजिटिव है, और अगर फाइव नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा। अगर ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बेटर है तो ये सवाल इजीली आप कर पाएंगे। इसने बोला यहाँ पे इस बॉक्स है, इस बॉक्स में अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग एलिमेंट को रख के बताया। सबसे पहले बोला कि इफ ये तो आपके पास में मतलब वोल्टेज का ग्राफ है, सोर्स के जो वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दिखा रखा है। फिर बोला इफ बॉक्स कंटेन इंडक्टर, अगर बॉक्स इंडक्टर कंडक्ट, बॉक्स में इंडक्टर होगा तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, ऊपर आपके पास में ऐसे इंडक्टर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोल्टेज ऑफ सोर्स आ जाएगा। तो किसका ग्राफ बनाया इसने, ये आपके पास ये ठीक है, ऐसा सेटअप बन गया, ये सोर्स हो गया। अब इसने बोला कि जो ग्राफ बनाया दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बॉक्स, तो उसके वहां पे क्या है, ये बॉक्स में तो इंडक्टर है तो इंडक्टर का पोटेंशियल तो ऐसा है और सोर्स का ऐसा है, तो कौन लीड कर रहा है आप बताइए, ये सोर्स का है और ये इंडक्टर का है, तो ऐसा बन रहा है ना आपके पास, यहाँ पे Vs और यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, VL। तो अब क्या VL क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, लीड कर रहा है। अब लीड का ग्राफ कैसे बनता है, देखिए अगर ये आपके पास में है साइन ओमेगा टी का ग्राफ, क्लियर, तो अगर आप देखें साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ग्राफ तो ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, यहां से कुछ शुरू होगा आपकी बात। ये किसका ग्राफ है, साइन ए साइन ओमेगा टी का, ये क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ग्राफ कहां शिफ्ट हो गया, ग्राफ ऐसे पीछे शिफ्ट हो गया, ये पहले यहां से शुरू हो रहा था, अब ये थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दीजिए, अब यहां से शुरू कर दीजिए, इसको पीछे शिफ्ट किया ना हमने इसको, तो ग्राफ को पीछे शिफ्ट करने से लीड मिलता है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर अगर ये आपके पास में इंडक्टर होता तो ग्राफ को पीछे शिफ्ट करना है, पीछे शिफ्ट करना होगा तो क्या होगा, थोड़ा और ऊपर से शुरू होगा ग्राफ, या तो यहां से शुरू होगा या फिर यहां से शुरू होगा, तो ग्राफ थोड़ा आगे से शुरू, मतलब थोड़ा पीछे शिफ्ट करके देखिए कैसा ग्राफ बन रहा है, वैसा ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन में शिफ्ट कहां पे कर रखा है इसने, इधर शिफ्ट कर रखा है। अगर आप आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे मतलब वो लैग का केस है, आगे की तरफ शिफ्ट देखिए कब होगा, अगर मैं यहां पे लिखूं ये ऐसा का कैसा बनता है ना आपके पास, अगर मुझे ग्राफ बनाना हो ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव का, ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव का, तब ग्राफ कैसे शुरू होगा, ऐसा शुरू होगा कुछ ग्राफ ऐसे, यहां से कुछ शुरू होगा ऐसे। तो इसमें क्या हुआ, आपने इस ग्राफ को आगे शिफ्ट कर दिया, अगर आप इसको आगे धक्का मारेंगे तो इसका ग्राफ बनेगा, इसको पीछे लेके आएंगे तो इसका ग्राफ बनेगा। तो लीड के ग्राफ में क्या, पर लीड का अगर ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ को पीछे ले आइए, लैग का बनाना हो तो ग्राफ को आगे कर दीजिए। तो पीछे की तरफ होना चाहिए पर हो नहीं रहा, इस वजह से ए सही नहीं है। फिर उसने क्या बोला, इफ बॉक्स इज इंडक्टर, फिर बोला कि अगर बॉक्स इंडक्टर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाना है इसका, तो कौन लीड कर रहा है, अब की बार सोर्स वोल्टेज लीड कर रहा है, अब की बार ग्राफ वीआर का है, इससे ऊपर वाले में वीएल का था, तो अगर वीआर का ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो भाई साहब वीआर वाला और वीएस में ऐसा फेज है फाई, तो वीआर क्या कर रहा है बच्चों, वीआर लैग कर रहा है, वीआर अगर लैग करेगा तो ग्राफ कहां शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा, तब ये वाला ग्राफ बन सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है, आपको लैगिंग का ग्राफ बनाना है, लैगिंग ग्राफ पीछे ऐसा ग्राफ है, तो ग्राफ को आगे शिफ्ट करेंगे, आगे शिफ्ट करेंगे ग्राफ ऐसा बन सकता है ना, ऐसे बना रखा है, हाँ तो ये आ जाएगा सही, तो बी ऑप्शन सही बैटर है। ये सिग्नेट रखा है मल्टी करेक्ट टेस्ट के। मोर देन वन है, बाकी चेक करते हैं ये। फिर हम बात करें इफ बॉक्स इज कैपेसिटर, इफ बॉक्स इज कैपेसिटर कैसा बनेगा, यहां पे आपके पास है वीआर है और वीसी, ऐसे कुछ नीचे की तरफ बना दिया आपने,
किसका ग्राफ बनाया, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें, वी रेजिस्टेंस लिखा हुआ था, यहाँ पे वी सोर्स आ गया आपके पास, वी रेजिस्टेंस, वी रेजिस्टेंस आपके पास लीड कर रहा है, लीड कर रहा है तो ऐसा ग्राफ नहीं बन सकता, लीड करेगा तो पीछे की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, सी मैच नहीं करेगा। अगर हम डी ऑप्शन में देखेंगे तो उसमें आपको क्या बोल रहा है कि कैपेसिटर के अक्रॉस ग्राफ पूछा उसने, तो आप यहाँ पे देखेंगे सोर्स का ऐसा है वी एस और वी सी ऐसा है, तो ये क्या कर रहा है, ये लैग कर रहा है, वी सी जो है वो लैग कर रहा है किससे, वी एस, और अगर आपके पास में लैग करेगा तो ग्राफ आगे शिफ्ट होगा, ग्राफ आगे शिफ्ट होगा तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, ऐसा ग्राफ, पर अब की बार ग्राफ ही कुछ ऐसा बना के दिखाया, ये वाला ग्राफ। अब ये वाला ग्राफ कब आता है आपके पास, ये तब आता है जब ग्राफ पीछे शिफ्ट होता, ग्राफ पीछे तब शिफ्ट होगा जब रीड कर रहा होगा, पर अभी लैग कर रहा है तो ये भी सही नहीं है। तो बच्चों सिर्फ एक ही ऑप्शन सही आता है इसमें, दैट इज ऑप्शन बी। अब वापस सुन लीजिए, अगर ये आपके पास में ग्राफ है साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू देखेंगे तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट हुआ, पीछे शिफ्ट करने से बात बन जाएगी, ग्राफ अगर पीछे शिफ्ट कर दीजिए ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव की, इसकी अगर आप बात करेंगे तो इस वाले केस में क्या होगा, आप टी इज इक्वल टू जीरो पुट कीजिए तो वाई की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, तो वो कब आएगी, जब ग्राफ इजी स्टेप शिफ्ट होगा, डन हो गया कब। तो इजी था सवाल, बस आपको ग्राफ के बारे में थोड़ी समझ होनी चाहिए, तो इसका एक ही ऑप्शन सही होता है, दैट इज ऑप्शन बी। प्रॉब्लम नंबर 11 में आपको बोला गया कि फोर्स जो है दैट इज माइनस के आर और एंगुलर मोमेंटम जो होता है एन एच बाई टू पे वो हमें कंसीडर करना है। फिर इससे कुछ ऑप्शन से बोला कि जो आर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मैकेनिकल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है, ये सब बातें वो जानना चाहता है, थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले बात करें रेडियस की, तो मैं रेडियस पे चलते हैं, तो मैंने इस एफ को लिख दिया, दैट विल बिकम एम बी स्क्वायर बाय आर लिखा जा सकता है इस फोर्स को, एम बी स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज के आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर वन हो गया, और इसको लिख देते हैं एम वी आर के बराबर, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन नंबर टू आ गया, दैट इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। सबसे पहले एक्सप्रेशन में जो आपसे पूछ रहा है वो रेडियस के बारे में पूछ रहा है, मतलब वेलोसिटी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वेलोसिटी को हटाया जाए, अगर हम वेलोसिटी को हटाएंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा के आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया आर स्क्वायर, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन गया, सही। तो अभी हमें सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी देखना है, ये सब तो कॉन्स्टेंट है वो सब एक बार इग्नोर कर देते हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है आर की पावर फोर इज प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर, तो आर किसके प्रोपोर्शन आ रहा है आपके पास, रूट एन के प्रोपोर्शन आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन तो मैच कर रहा है। फिर बोल रहा है स्पीड की बात कर रहा है, थर्ड ऑप्शन पहले स्पीड देख लेते हैं, स्पीड कैसे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज वेलोसिटी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, और आर का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, एन के, तो ऑब्वियसली जो वी भी होगा वो भी किसके प्रोपोर्शनल है, रूट एन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये भी मैच कर गया भाई साहब, सी भी मैच कर गया, ए भी मैच कर गया। मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल जो निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी आपके पास एफ इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है F dot dr, या फिर ऐसे देख लीजिए F is equal to minus du by dr लिख रखा है आपने, इतना सही है बच्चों। अब आप देखिए F की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस के आर, ये यहाँ पे चला जाएगा, dr बन जाएगा आपके पास, माइनस हट जाएगा, यहाँ पे du आ जाएगा, इंटीग्रेट करने जाएंगे तो कितना बन जाएगा, के आर स्क्वायर बाय टू, तो ये बन गया हाफ प्लस के आर स्क्वायर बाय टू, ये आ रहा है टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, इतना सही है। अच्छा यार, अगर टोटल एनर्जी आपके पास में कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इसमें देख लीजिए किसके प्रोपोर्शन है, तो वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शन है आपके पास, एन के प्रोपोर्शन है, आर स्क्वायर भी एन के प्रोपोर्शन है, टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शन हुई आपके पास, एन के प्रोपोर्शन हुई, इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एन, तो ये वाली बात भी बन रही है आपके पास, बी ऑप्शन ही मैच कर जा रहा है। फिर बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, टाइम एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, वी बाय आर लिख सकते हैं, दिस विल बी एंगुलर वेलोसिटी, वी क्या है, रूट एन के पे डिपेंडेंट है, तो ये तो आपके पास एन की पावर जीरो आ रहा है, पर वो नहीं लिखा होगा, इसमें तीन ही ऑप्शन मैच किए, कौन कौन से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ठीक है। प्रो नंबर 12 शानदार सवाल है, अगर आप शांति से बैठे सोचेंगे तब तो सवाल आपको चमक जाएगा, अब जल्दबाजी में रहेंगे सवाल आपको चमकना मुश्किल है। सवाल के अंदर क्या बोला गया, ऐसे एक 5 इलास्टिक बोल्स है, सबका मास सेम है, और पोजीशन में से टाइम ग्राफ शो कर रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, मतलब जो भी कोलिजन हो रहा है आपके पास है, इलास्टिक कोलिजन, बिकॉज इलास्टिक बोल्स है आपके पास, तो आपने यहाँ पे एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर बना, इनिशियली आप देख रहे हैं तो ये जो पार्टिकल ई है, जो पार्टिकल ई है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ई है, ठीक है,
x इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल d है, ठीक, x इज इक्वल टू 2 पे पार्टिकल कौन सी वाली बोल है, c वाली बोल है, फिर अगर आप बात करेंगे 3 पे तो b वाली बोल है, और 4 पे बात कर रहे हैं तो यहां पे कौन सी बोल है, a वाली बोल है। अब हम सवाल थोड़ा फिर करवाता हूं ना मैं, e की जो वेलोसिटी है पॉइंटेड डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ है, d की वेलोसिटी भी कुछ आपके पास इस तरफ है, कैसे चेक कर रहा हूं, स्लोप से चेक कर रहा हूं, तो स्लोप आएगा दैट इज dv / dt, वो आपको बता देगा। फिर अगर आप बात करें c की वेलोसिटी, तो c की वेलोसिटी इस तरफ है, दैट इज c तो रेस्ट पे है ना आपके पास में, क्योंकि c का स्लोप 0 होता है, ये क्या है आपके पास रेस्ट पे पड़ा इनिशियली। फिर अगर आप बात करेंगे b की वेलोसिटी, तो b की वेलोसिटी कुछ इस तरफ है, और यहां पे अगर आप बात करेंगे a की वेलोसिटी, वो भी कुछ इस तरफ है। तो होगा क्या आपके पास, ये मान लो कुछ v1 स्पीड से जा रहा है, ये कुछ v2 से जा रहा है, ये कुछ v3 से जा रहा है, और ये कुछ v4 से जा रहा है, तो v1 वाला जब इससे टकराएगा तो टकराने पर वेलोसिटीज क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, बिकॉज सेम मास से इलास्टिक कोलिजन, सेम मास से वेलोसिटी क्या होती है, एक्सचेंज हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी ई की होगी वो डी को मिल जाएगी, डी की वेलोसिटी ई को मिल जाएगी, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो सी से टकराएगा, सी से टकरा के कुछ उल्टा होगा, या फिर रेस्ट पे है वो आगे चला जाएगा, वो रुक जाएगा, जब वो रुकेगा तो फिर वो उससे आके टकराएगा, या फिर ये उससे टकराएगा, ऐसे कोलिजन आपके पास होते जा रहे हैं, इस तरह का सेटअप है। इसे सबसे पहले ये पूछा, बताओ कितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, इधर भी वायर पूरी फुली एक्सटेंडेड है, उससे उधर भी फुली एक्सटेंडेड है, पर जो इनिशियल पोजीशंस थी वो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 4 के बीच में थी, पर टकराने वाले पार्टिकल हो सकता है उधर भी जाए इधर भी जाए, पर उस सारी जगह वायर है। अब आप देखिए, सबसे पहले ये पूछा कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, तो कितने नंबर ऑफ कोलिजन आप कैसे चेक करेंगे, जहां पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपके पास कोलिजन का पॉइंट है। क्यों कोलिजन का पॉइंट है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे, जैसे यहां का जो पॉइंट अगर आप देखेंगे, ये कुछ 1 सेकंड पे है, जैसे 1.5 मीटर, तो मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर 1.5 मीटर के ऊपर दोनों पार्टिकल आ गए, ई और डी वाले, तो आपस में ऑब्वियसली टकराएंगे, तो यहां पे एक कोलिजन हो गया। सबसे पहले सवाल ये पूछा कितने नंबर ऑफ कोलिजन है, 1 यहां पे, 2 दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहां पे 9, आपको 9 दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, और तो कुछ दिखाई दे रहा है क्या, और दिखाई सर हमें 9 दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअल में 10 है। कैसे 10 है, ये वाली भी जब आप आगे एक्सटेंड करेंगे, इन दोनों का स्लोप बराबर नहीं है, ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है, आप देखेंगे तो इसका अलग स्लोप है, इसका अलग स्लोप है, ये भी कहीं पे जाके आपस में इंटरसेक्ट होगी, कहीं ना कहीं पे जाके ये भी आपस में क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी, तो वहां पे भी एक पॉइंट आएगा, दैट इज नेम है नंबर 10। तो लास्ट वाला पॉइंट था, ये लोगों को नहीं चमकता है, लोगों को रहते हैं दोनों पैरेलल लाइन थे। आप स्लोप चेक करके देखिए ना, स्लोप मैंने यहाँ पे लिखा दिए, आप स्लोप डायग्राम में चेक करके देखिए, वो डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स है, अगर डिफरेंट डिफरेंट स्लोप से कितने पॉइंट आएंगे, 10 पॉइंट्स आएंगे इंटरसेक्शन के। मेरी बात समझ में आ गई, अच्छा सवाल था, 10 तो हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें, अब देखते हैं भाई सब, बोल ए फाइनली मूव विद वेलोसिटी, बोल ए, अब ये अपने आप में बहुत सही चीज है। देखिए यहां पे ये बोल ए आया, ये ए की मतलब ये ए वाली बोल है, ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, मूव कर रही थी, मूव कर रही है, मूव कर रही है, यहां पर टकरा गई, यहां पे टकरा गई, तो क्या होगा, अब ये अपने वाली वेलोसिटी थी वो इस वाली बोल को दे देगी, मतलब यहां पे दो बोल टकराई ना, एक यहां से कोई बोल रही थी, यहां से कोई बोल रही थी, अब वेलोसिटीज क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी ये ना बनगी, कौन सी बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको, यहां से ए बोल थी, ये ए बोल का कोलिजन यहां पे हुआ, तो ए ये वाली वेलोसिटी पकड़ लेगा जो इस वाली बोल की वेलोसिटी थी, तो ये वाली जो वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग ए की वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी कितनी है आपके पास, इसका स्लोप चेक कर लो, इसका स्लोप कितना है आपके पास, इस वाली लाइन का स्लोप चाहिए, E वाले पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी है आपके पास, दिस इज वेलोसिटी ऑफ E जो आपके पास है, इसका जो स्लोप आ रहा है, दिस इज इसको E बोलो, 10 E अगर आप बात करेंगे, या फिर ये इस वाले लाइन का जो स्लोप है आपके पास, वो स्लोप आपको कितना मिलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड, मतलब ए की जो फाइनल स्पीड होगी आपके पास वो 1.5 मीटर पर सेकंड होगी, ये बात सही है, प्लस भी लिखेंगे, बिकॉज ये इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। बोल सी फाइनली मूव, बोल सी, सी पे देखिए, सी बोल यहां से आई, ये दो तो आपस में टकराए होंगे, तो इसकी वेलोसिटी कौन सी बन गई, सी के बाद में ये वाली बन गई होगी, यहां पे आया, अब यहां से भी एक एक पार्टिकल आया था, उससे कोलाइड किया, तब इसकी वेलोसिटी कौन सी बन गई, ये वाली बन गई, यहां से आया, एक खेल है ना, सही ढंग से समझिए, सी वाला पार्टिकल, सी की वेलोसिटी ये थी, यहां पे कोलिजन हुआ, तो वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी बन गई सी की, फिर यहां पे वेलोसिटी आपस में टकराए, तो वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, फिर ये वाली बन गई, फिर यहां पे देखें तो ये आपस में टकराए, तो ये वाली वेलोसिटी बन गई, फिर यहां पे देखेंगे तो ये आपस में टकराए, फिर ये वाली वेलोसिटी बन गई, फिर बच्चों ये आपस में टकराए, फिर ये वाली वेलोसिटी बन गई, फिर ये आपस में टकराए, तो ये वाली वेलोसिटी बन गई। तो ये कैसी वेलोसिटी है आपके पास, ये तो रेस्ट पे आ जाना चाहिए, तो आपके पास जो पार्टिकल, हम बी की बात कर रहे थे, पार्टिकल बी कहां पे आ जाएगा आपके पास, पार्टिकल सी जो है वो कहां पे आ जाना चाहिए, फाइनली
रेस्ट पे आ जाना चाहिए, पर वैसा नहीं है। अब वापस देख लीजिए, सी पार्टिकल यहां से ऐसे इसी कुछ वेलोसिटी थी आ रहा था, बीस की एक पार्टिकल से टकराया, वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, तो यहां पे देख लिया। आपको ये देखने जरूरत नहीं किससे टकराया, बस वेलोसिटी का मतलब जो इंटरचेंज हो जाएगी वेलोसिटी, तो पहले ये वाली वेलोसिटी थी अब ये वाली हो जाएगी। यहां पे टकराया, यहाँ पे टकराया तो इस वाले पार्टिकल से टकराया था, ये वाली यहां से वेलोसिटी आ रही थी, तो इंटरचेंज होगी तो ये वाली वेलोसिटी बन जाएगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे फिर इससे टकराया तो फिर ये वाली वेलोसिटी बन गई, यहाँ पे इससे टकराया फिर ये वाली बन गई, यहाँ पे इससे टकराया फिर ये वाली बन गई, यहाँ पे इससे टकराया तो ये वाली बन गई। मतलब फाइनली सी कहाँ पे रहना चाहिए, रेस्ट पे रहना चाहिए था, पर इसमें कुछ और बोल रहा है, इस वजह से सी ऑप्शन मैच करेगा नहीं। अब हमसे पूछा गया कि डी बोल के बारे में क्या होगा, तो यहाँ पे डी वाला पार्टिकल आया, टकराया, ये वाली वेलोसिटी बन गई, यहाँ पे टकराया फिर ये वाली वेलोसिटी बन गई, यहाँ पे टकराया फिर ये वाली वेलोसिटी बन गई, आगे बढ़े, यहाँ पे इससे टकराया तो ये वाली वेलोसिटी बन गई। किसकी वेलोसिटी फॉलो कर रहा है, ए की वेलोसिटी को फॉलो कर रहा है, पर आगे जाके फिर टकराएगा, किससे टकराएगा, बी से टकराएगा, तो किसकी वेलोसिटी एक्वायर कर देगा, ये वाली पॉइंट की। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि ये फाइनली ये डी वाला पार्टिकल कौन से स्पीड से मूव करेगा, किस वाली स्पीड से मूव करेगा, तो ये स्पीड आप चेक कर लीजिए, यहाँ से अगर स्लोप निकाल के देखेंगे तो ये आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल डी की जो फाइनल वेलोसिटी आएगी, बॉल डी विल हैव फाइनल वेलोसिटी कितना है आपके पास, दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो आपके पास फिर दो ऑप्शन मैच करेंगे इसमें, कौन कौन से, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो ये बढ़िया सवाल था, एक बार तसल्ली से आपको सोचिएगा फिर आप इसको करिएगा तो आपको चमक जाएगा, अच्छा सवाल है, ठीक है बच्चों, आप छाप लीजिए। इंटीजर टाइप का जो न्यूमेरिकल टाइप है, सॉरी न्यूमेरिकल टाइप का फर्स्ट सवाल कर रहे हैं, उसमें सब डाटा गिवन है, लैम्डा डी कैपिटल सब गिवन है। आपको ये बोला गया इंटेंसिटी ऑफ सेंटर मैक्सिमा इतना है, और सेंटर मैक्सिमा सेंटर पे लाई करें, बिकॉज कुछ है नहीं। फिर इसने बोला कि फर्स्ट मैक्सिमा से ऊपर एक पॉइंट है कितनी दूरी पे, 1 mm की दूरी पे, वहां पे कितनी इंटेंसिटी होगी ये वो जानना चाह रहा है। तो मैंने सबसे पहले पहले क्या निकाला, मैंने बोला पोजिशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा निकाल के देखते हैं, पोजिशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, फर्स्ट मैक्सिमा के डेल्टा एक्स कितना, लैम्डा, तो वाई की वैल्यू कितनी बनेगी, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। अच्छा लैम्डा की जगह 500 नैनोमीटर ना, 500 नैनोमीटर 10^-9, कैपिटल डी की जगह 2 मीटर, और ये कितना आ गया 3 mm मल्टीप्लाइड 3, तो कितना हो गया 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, देखना ये 3 था ये 2 था, टोटल 5 माइनस कर देते हैं इसमें, तो 10^3 और 10^-4, देख लीजिए एक बार, ये 3 और 2 5 हो गए, तो यहाँ पे 4 बचा, ये 10 आ गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 1000/3, नीचे आएगा ना 1000 आपके पास, दिस विल बी 10^-3/3, ये तो मीटर में आ गया आपके पास, और अगर आप mm में बात करें तो ये आएगा 1/3 mm, मतलब जो फर्स्ट मैक्सिमा की दूरी है बच्चों वो है आपके पास 1/3 mm, क्लियर। सेकंड मैक्सिमा की जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी ऊपर, इससे 1/3 mm, फिर यहां से 1/3 mm, यहां से 1/3 mm। तो अगर आप यहां से चेक करेंगे कि सेंटर मैक्सिमा, ठीक है फर्स्ट मैक्सिमा समझ में आ गया कहां पे है, तो अगर आप बात करें इस वाले पॉइंट पर, ये दूरी कितनी, टोटल 1+1/3 डिवाइड बाय 1/3 करके देखिए, तो आपको मैक्सिमा ही मिल रहा है, सीधा सीधा दिखाई देगा आपको, क्योंकि यह जो आपके पास में फ्रिंज विड्थ है वो है 1/3 की, और आप जिस डिस्टेंस की बात करें इट इज 4/3, 4/3 डिवाइड बाय 1/3 करेंगे तो आपको क्या, इस वाले पॉइंट फोर्थ मैक्सिमा ही मिल जाएगा, सीधा ही काम हो गया, यहाँ पे क्या मिल गया आपको, फोर्थ मैक्सिमा, और फोर्थ मैक्सिमा मिल गया तो उस पर इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। तो आप डायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली बता दिया, पर आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, तो आप बेसिक से चलते हैं थोड़ा, फिर हम क्या लिखे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी अगेन लिखा, अब हमें क्या पता है, डेल्टा एक्स नहीं पता हमें, तो हमने लिखा डेल्टा एक्स हमें निकालना है, वाई की वैल्यू पता है, तो डी की वैल्यू पुट कर दी 3 mm, यहाँ पे 2, और वाई की वैल्यू अब क्या पता है आपको, कितना गया 4/3 mm, कैसे आया 4/3 mm, बिकॉज सेंटर मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा की जो पोजीशन दैट इज 1/3 mm, इसने पूछा उससे 1 mm ऊपर, तो टोटल कितना बनेगा 4/3 mm, आप ऐसे प्रोसीड कर पाएंगे, यहां से आपके पास में सेटअप आ गया। अब आप इसे थोड़ा सोल्व करके देखिए, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है आपके पास, दिस 3 से 3 साफ हो गया, यहाँ पे ऊपर बन गया 2 × 10^-6, ये बन गया डेल्टा एक्स। अब इसे कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा फाइव डिवाइड बाई 2π, तो डेल्टा एक्स आ गया 2 × 10^6, और लेमडा की जगह कितना है 500 × 10^-9, डेल्टा 5/2π। अब इसको साफ करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा, ऊपर 1000 बन गया, तो ये 2 0 इससे साफ होगी, ये आ गया, तो डेल्टा फाइव की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई 8π,
एट पाई, और ये एट पाई जो फेज डिफरेंस है वो मैक्सिमा है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो आप बोल सकते हैं ऐसे भी। पर हमें यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जर्व हो गया था देख के कि भाई साहब जो आपकी पोजीशन है वहाँ पे हमें मैक्सिमा दिखाई दे रहा है, वहाँ फोर्थ मैक्सिमा बनेगा, तो फोर्थ मैक्सिमा बनेगा तो वही इंटेंसिटी आएगी जो सेंटर मैक्सिमा पे है, दैट इज वन। क्लियर है? आप छाप लीजिए। बच्चों अभी हम इंटीजर का सेकंड सवाल कर रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है, ए पॉइंट सोर्स एंड रिसीवर आर स्टेशनरी, यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे आपके पास सोर्स है, यहाँ पे एक रिसीवर है, ये दोनों स्टेशनरी है, और इस तरफ क्या है आपके पास दीवार है वो इधर मूव कर रही है किस स्पीड से, 1 मीटर पर सेकंड से, तो बीट फ्रीक्वेंसी रिसीवर क्या सुनेगा वो आपको बताना है। वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है 321 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर आप आगे चर्चा करेंगे इसके बाद में, तो दीवार की स्पीड गिवन है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, दैट फ्रीक्वेंसी इज 256 हर्ट्ज़, ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास। अब बीट फ्रीक्वेंसी पे कैसे चर्चा करें, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए एक जो सुनाई देगी रिसीवर को फ्रीक्वेंसी वो तो सुनाई देगी डायरेक्टली 256 हर्ट्ज़, बिकॉज दोनों रेस्ट में है, एक इससे रिफ्लेक्शन के पास सुनाई देगी। तो अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय वॉल, फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय वॉल, जो दीवार ने जो फ्रीक्वेंसी सुनी है वो कितनी, अगर आप देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, दैट विल बी, ऊपर तो आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आता है ना ऊपर आपके पास, तो डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय नीचे आएगा 321, वेलोसिटी ऑफ सोर्स वो 0 है, ये 256, इतना फ्रीक्वेंसी दीवार ने सुनी। तो अगर आप बात करेंगे फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय रिसीवर, तब क्या बोलेंगे दीवार ने इतनी फ्रीक्वेंसी सुनी है तो एमिट भी उतनी ही करेगा, तब कैसे कितना बन गया 322 डिवाइड बाय 321 मल्टीप्लाइड 256, ये तो से छोड़ी फ्रीक्वेंसी, ठीक, मल्टीप्लाई ऊपर क्या आएगा आपके पास 321 ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, वो कुछ नहीं है, सोर्स की करेंगे तो कितना का 321 माइनस 1, आप देखिए कितना बना है 321 320, इसकी वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई 322 डिवाइड बाय 321 मल्टीप्लाई 256, ये साफ हो गया आपके पास, ठीक। अब अगर आप देखेंगे कि बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, बीट फ्रीक्वेंसी तो वो कितनी है आपके पास 256 बाहर आ गया आपके पास, ये 322 माइनस 320 माइनस 1, ये बीट फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी माइनस दिस फ्रीक्वेंसी, अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना है 256 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 320, तो यहाँ पे 160 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया और ये 64 आ गया, ऐसे कुछ बनना 16, ये कितना आ रहा है पास 1.6 हर्ट्ज़ आ गया। सिंपल सवाल था, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब दीवार मूव करते हैं तो हम कैसे करते हैं, पहले हम दीवार के कान लगाते हैं, उससे पूछते हैं बच्चों कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, फिर दीवार को बोलते हैं अब तू वही फ्रीक्वेंसी एमिट कर, तो पहले तो ये जो दीवार था वो ऑब्जर्वर की तरह बिहेव किया, फिर वो किस तरह बिहेव करा, सोर्स की तरह बिहेव किया, हमने निकाला इजीली आ गया, ठीक है बच्चों आप छाप लीजिए। थर्ड प्रॉब्लम हम देख रहे हैं वर्नियर कैलिपर का सवाल है, अगर आपको वर्नियर कैलिपर की रीडिंग देनी आती है तो इजीली सवाल हो जाएगा। पहले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग देखते हैं, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग आप ऐसे देते हैं, आप लिखते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस जो आपके पास में दैट इज वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग आप बोल सकते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल तो गिवन होती है, वर्नियर स्केल में आपको ये बोला जाता है कि फोर्थ जो आपके पास में एरो है वो कोइंसाइड कर रहा है, ऐसे कुछ बोलते हैं कि फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब फोर्थ वर्नियर स्केल वाली लाइन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही होगी मान लीजिए, तो आप इसमें क्या लिख देंगे, इसमें 4 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, अगर बोलेंगे फिफ्थ वर्नियर स्केल वाली रीडिंग मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है तो 5 आ जाएगा। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वन ईयर स्केल डिवीजन, इसमें क्या होता है मेन स्केल डिवीजन की तो मिनिमम रीडिंग पता होगी आपको, गिवन होगा वो, ठीक है, और इसके लिए क्या करेंगे आप, आपको ऐसे बोला जाएगा कि भाई कुछ 10 लाइंस जो आपके पास में है वो कॉन्साइड कर रहे हैं, फिर 10 रीडिंग कॉन्साइड कर रही है 9 से मेन स्केल के, तो यहाँ पे जो वन ईयर स्केल रीडिंग आती है आपके पास या फिर वन ईयर स्केल जो डिवीजन आता है दैट विल बी 9/10, क्लियर, तो आप यहाँ पे इसको कर पाएंगे इजिली। अब मैं आपको फिर के दिखाता हूँ सवाल में, इस वाले में क्या बोला गया भाई साहब कि बेस वाले का जो रीडिंग था वो था 2.3 मल्टीप्लाई 4 लिस्ट काउंट, ऐसे बोला गया भाई साहब फोर्थ जो आपके पास में वर्नियर स्केल डिवीजन है वो मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा था तो फोर्थ हो, इसमें बोला गया 4.7 मेन स्केल की प्लस 9th जो वर्नियर स्केल का डिवीजन था वो मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा था, मतलब 9 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट हो गया।
अब आपको हाइट निकालना, तो क्या करें, दोनों को डिफरेंस करेंगे, दोनों को डिफरेंस किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया हाइट का। डाया के लिए इसने बोला कि इस वाले एंड की जो रीडिंग है वो है 3.1 प्लस 1 रिस्ट काउंट, यहाँ पे 3.2 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 4 मल्टीप्लाई रिस्ट काउंट, क्योंकि उसने बोला कि फर्स्ट जो आपके पास में डिवीजन था वो वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है, इसमें जो फोर्थ जो डिवीजन था वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है, हम दोनों सेपरेट किया तो ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, ये डाया आ गया। अब लिस्ट काउंट कैसे निकालें, लिस्ट काउंट के लिए सवाल की अगर आप एंड में देखेंगे तो आपको बोला गया 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइड विद 9 मेन स्केल डिवीजन, तो आप अगर देखेंगे तो एक डिवीजन की जो आपके पास वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का आ गया आपके पास, दैट विल बी 9, मतलब इसके जो 10 थे वो उसके 9 से कॉन्साइड कर रहे, इसका एक कितने किसे कोरस्पॉन्डिंग हो, 9/10 कोरस्पॉन्डिंग, तो मैंने लिखा 9/10 की कोरस्पॉन्डिंग, और मेन स्केल की जो डिवीजन दैट इज 1 सेंटीमीटर, तो ऐसा एक्सप्रेशन बना दिया मैंने वर्नियर स्केल डिवीजन, बिकॉज उसमें जो वहां पे जो आपके पास में 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल पे वो वहां पे 9 से कॉन्साइड कर रहे हैं, मतलब वो 10 डिवीजन 9 सेंटीमीटर के जैसे हो गए, तो 9 सेंटीमीटर एक डिवीजन कैसे किसी कोरस्पॉन्डिंग हो गया 9/10 सेंटीमीटर। अब दोनों को सेपरेट कर दीजिए, मतलब यही होता है आपके पास लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, क्या होता है आपके पास मेन स्क्वायर डिवीजन माइनस वर्नियर स्क्वायर डिवीजन, तो मेन स्क्वायर डिवीजन 1 सेंटीमीटर, वर्नियर स्क्वायर डिवीजन कितना होगा आप, सॉरी मेन स्क्वायर डिवीजन की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, बिकॉज मिनिमम रीडिंग कितनी मिल रही है 0.1, तो अगर आप बात करें मेन स्क्वायर डिवीजन दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 0.1 माइनस इसकी कितनी 9/10 आपने सॉल्व किया, तो ये लिस्ट काउंट आ गया। अब आप ये लिस्ट काउंट यहां पुट करके एच की वैल्यू निकालो, डाया की वैल्यू निकालो, अब हाइट का फॉर्मूला लगा दो कि जो हाइट राइज होता है कैपिलरी ट्यूब का दैट इज 2t / rog, तो एच की वैल्यू कितनी आपके पास 2.45, 2 मल्टीप्लाई टी निकालना है, आर की जगह कितना आएगा डाया का 2, डाया डिवाइड बाय 2, सब मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं ना, और यहां पे कितना है 1000 मल्टीप्लाई और 1000 मल्टीप्लाई ये 10 आ गया आपके पास, दिस इज 1000 मल्टीप्लाई 10, आप सॉल्व कीजिए, यहां सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू होगी 0.07.9 आती है शायद अप्रोक्स, तो इसको आप दो रिजल्ट बोल सकते हैं, 0.07 ही बोल सकते हैं या फिर 0.08 लिखे, दोनों आंसर ही इसमें सही है। तो अगेन ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो हम देख रहे हैं भाई जितने आपको सवाल दिखाई दे रहे हैं न्यूमेरिकल में उसमें कैलकुलेशन आ रही है, तो थोड़ा सा दिक्कत है वो, पर ठीक है आपके इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी, बाई चांस कभी जेई के फाइनल एग्जाम में आ जाए तो हम घबराएं ना, ये ठीक है इसके लिए, बात समझ में आ गई। तो आपको अगर वर्नियर स्केल क्लियर नहीं है बच्चों तो एक बार जाके जो वीडियो मैंने आपको क्लास में दिखाया था वापस एक बार देख लीजिएगा, ताकि वो वर्नियर स्केल और आपके पास में जो स्क्रू गेज था दोनों की कहानी खत्म हो जाए, क्योंकि उसका सवाल जेई एडवांस पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, आप छाप लीजिए, अभी हम प्रॉब्लम नंबर 4 कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, डायग्राम बड़ा है, तो मैं आपको पहले बस बेसिक समझाया, तो आप डिटेल सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन में डिटेल में लिखा हुआ है, आप वहां से एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, मैं एक बार आपको कंसेप्ट बताया, तो कंसेप्ट क्या है देखिए, सबसे पहले आपको बोला कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये इनपुट आउटपुट के पॉइंट है, तो अगर ये वाला पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी बी है, ये पॉइंट भी बी है, ये पॉइंट हर एक पॉइंट कितना है आपके पास बी है, तो इसको अर्थ किया गया था मैंने हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 लिख दिया। अब देखिए अगर आप देखेंगे ये वाला कैपेसिटर ये चारों सिमेट्रिक है, क्यों सिमेट्रिक है, बिकॉज इस रास्ते पे भी आगे जाके आउटपुट है, इस रास्ते पे भी आगे जाके आउटपुट है, इस रास्ते पे भी आउटपुट है, इस रास्ते पे भी आउटपुट है, चाहे इसको भी बोलो चाहे इसको भी बोलो चाहे इसको भी बोलो चाहे इसको भी बोलो फर्क पड़ता नहीं है, तो आप क्या बोलिए इस पे जितना चार्ज जाएगा, इस पे मान लो कुछ Q1 चार्ज जाएगा, तो इस पे भी कुछ Q1 जाएगा, इस पे भी कुछ Q1 जाएगा, इस पे भी कुछ Q1 जाएगा, समझ में आ गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसका 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 और इसका पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, तो मैंने पोटेंशियल लिख दिया V2 ठीक। अब आप देखिए, अब यहां से आप आगे V2 के ऊपर, अब आप इसमें थोड़ा आगे चल के देखिए, जैसा पॉइंट इसके लिए घूम के ये वाला है वैसा ही इसके लिए घूम के ये वाला है, सिमिलरली इसके लिए घूम के ये वाला है, इसके लिए घूम के ये वाला है, आप ऐसे देखेंगे ये वाला और ये वाला सेम है, तो इस वाले पॉइंट का इस वाले का इस वाले का और इस वाले का इनका पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए आपके पास सेम होना चाहिए, इज इट क्लियर, ये बात आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी समझ सकते थे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझते वो ही बताया था भाई साहब दो पॉइंट मेरी में जब उनका पोटेंशियल क्या होगा आपके पास बराबर होगा, हम उसको उससे नहीं कर रहे हैं बिकॉज मान लो कुछ कुछ मतलब हर एक सेंटर के बच्चों ने शायद वो लाइन ऑफ सिमेट्री ना पढ़ा हो, बेंगलोर वालों ने पढ़ा है उसे चाहे तो उससे भी हो जाएगा ये सवाल, पर मैं पोटेंशियल वैसे करके दिखा रहा हूं आपको, ऐसा हो गया सेटअप आपके पास। अब आप क्या कीजिए, आप देखिए ये जो Q1 ये जो नेट आपके पास में है इस वाले पे 1, 2, 3, 4 ये टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा, तो आप क्या लिख देंगे सी मल्टीप्लाई V1 - V2 का 4 टाइम्स, इस पे इस पे इस पे इस पे चारों पे आ गया और ये किसके बराबर हुआ, क्यू के बराबर होगा, क्लियर।
अब आप सिमिलरली क्या कीजिए, यहां पे नोडल लगा दीजिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए लगा दीजिए आप, एक बार इसके लिए, तो हो ही गया। आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास v1 v2 v3 की वैल्यू आ जाएगी, किसकी फॉर्म में, q की फॉर्म में। तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको चार्जेस वगैरह पता लग जाएगा हर एक कैपेसिटर के ऊपर, फिर आप चार्जेस पता लग जाए तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। एक बार आप इसका सॉल्यूशन है उसका आप पीडीएफ, मतलब जो आपको ऐसा सॉल्यूशन शेयर किया गया उसे पूरा इसको सॉल्व किया गया, कंसेप्ट मैंने बता दिया। ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था भाई साहब कि ये पोटेंशियल लिखे कैसे गए। अगर आप ये पोटेंशियल लिख लेंगे फिर कोई फिर से सवाल हलवा है। आप यहाँ पे नोडल लगा दीजिए, यहाँ पे नोडल लगा दीजिए, एक यहाँ पे लगा दीजिए, तीन पॉइंट पे नोडल लगा दीजिए, तो आपके पास में जो सब रिजल्ट्स हैं वो V2 V1 की फॉर्म में आ जाएंगे, और V1 V2 की फॉर्म में क्यू आपको गिवन है, तो वहां से हर एक कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा। फिर आप एनर्जी लिखने के लिए क्यू स्क्वायर बाय 2 सी करेंगे तो आपको इजीली रिजल्ट मिल जाएगा। तो सवाल अच्छा है, एक बार आप ढंग से इसको करके जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, हम न्यूमेरिकल के फिफ्थ प्रॉब्लम पे हैं। उस सवाल में क्या है आपके पास, जो चार डेंसिटी वो वेरी कर रहा है, तो हमने यहाँ पे से चार डेंसिटी को वेरी करवाया, आर के साथ में चार डेंसिटी वैरी कर रही है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आर दूरी के अंदर से, मैं आपको चार डेंसिटी ठीक है सब बात ठीक है, पर अगर आप पूछूं यहाँ पे EFI कैसे निकालेंगे इस वाले पॉइंट पे, तो हम क्या बोलेंगे, सर इसके अंदर क्यू इनसाइड निकाल लो, मान लीजिए आर दूरी का जितना क्यू होगा वो निकाल लो, तो EFI कितना आ जाएगा आपके पास, के क्यू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मतलब इस वाले पॉइंट पे निकालना है तो इसके अंदर क्यू इनसाइड देख लीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं उन केस की व्हेन आर इज लेस देन ए, ए आपके पास रेडियस है, रेडियस के अंदर हम यही करते हैं ना, या तो आप बहुत सोच से करिए देखिए तब भी ये चीज आएगा कि भाई अगर आपको इस वाले पॉइंट का EFI चाहिए तो बाहर वाले चार्ज की वजह से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इसके अंदर अंदर वाले पॉइंट्स की वजह से आएगा, यहां वाले की वजह से, तो इसे क्यू इनसाइड निकाल लूंगा बात बन जाएगी। क्यू इनसाइड निकाला आर दूरी के ऊपर, फिर पूछ क्या रहा है कौन से आर पे इसकी EFI मैक्सिमम आएगा, मैं सबसे पहले चार्ज निकाला तो चार्ज कितना आएगा 4πr² मल्टीप्लाई dr और मल्टीप्लाई वॉल्यूम वाला टर्म आपके पास, दिस वी दिस इज रो नॉट 1 - r² a² क्लियर, ये आपके पास में dv आ गया, आप इसको इंटीग्रेट करने जाइए तो यहां से बनेगा वॉल्यूम, ये रो नॉट बाहर आ गया, 4π बाहर आ गया, रो नॉट बाहर आ गया, 4π बाहर आ गया। अच्छा यहां पे देखें तो कितना बनेगा r² dr - r की पावर 4, अरे सही है, रो नॉट 4π बाहर आ गया, r² dr - r की पावर 4, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम यहां पे अगर ये क्यू इनसाइड आ जाएगा, ये dq है थोड़ा सा और ये क्यू बन जाएगा टोटल, मैंने क्या किया चार डेंसिटी गिवन है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम करूंगा चार्ज मिलेगा, मैं चाहता हूं कि सेंटर से आर दूरी के अंदर जो स्फीयर बन रहा होगा उस पर कितना चार्ज है वो हम निकाल पाए, सोल्व कीजिए तो ये बन जाएगा रो नॉट 4π, इधर देखेंगे तो ये बन जाएगा r³/3 माइनस ये बन जाएगा r⁵ / 5 a², ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन गया, ये आ गया क्यू इनसाइड। अब आप EFI की बात करेंगे, EFI तो वो आएगा दैट इज kq/r², k q की जगह कितना लिखा आपने रो नॉट मल्टीप्लाई 4π r³/3 - r⁵ / 5 a² डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो ये कटा तो यहाँ पे r बचा और यहाँ पे q बचा, तो यहां से अगर हम e की वैल्यू निकालने जाएंगे तो कितना बन गया, हम कॉन्स्टेंट ये सिर्फ इसको लिखते हैं r³/3 - r³/5 a² और ये सारी टर्म आपके पास बन गई कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम मैक्सिमाइज करें तो हमें dE/dr को कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, करके देखिए इसको, ये एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा 1/3, इसका डिफ्रेंशिएशन इसका बनेगा 3r² / 5 a², ये बन जाएगा 0। यहां से अगर हम चेक करने जाएंगे तो ये क्या बन गया 3r² / 5 a² इज इक्वल टू 1/3, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल r की वैल्यू r² की वैल्यू कितनी है कि 5/9 a², क्लियर। अब भाई साहब ये जो ए स्क्वायर की वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये बन गया आपके पास 5/9 और यहां पे बन जाएगा 9 फर्मी का स्क्वायर, 9 से 9 साफ हो गया, तो जो r की वैल्यू आ गई वो आ गई √5 फर्मी, आप √5 की वैल्यू निकाल लीजिए तो अप्रोक्स 2.23 के आसपास आती है, तो हो जाएगा सॉल्व, क्लियर है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था पर सवाल सिंपल था, आपको ये पता होना चाहिए जब वेरिएबल चार डेंसिटी होती है, जब वेरिएबल चार डेंसिटी होती है तो हम EFI कैसे निकालते हैं, तो हम बोलते हैं भाई जिस पॉइंट पे निकालना है उसके अंदर जो स्फीयर बन रहा है उसके अंदर जो क्यू चार्ज है बस उसी की वजह से आएगा, दैट विल बी kq/r², तो आप ठीक सवाल था, आप इसको छाप लीजिए। अभी हम इस वाले एग्जाम पेपर के लास्ट सवाल के ऊपर हैं और ये सवाल अच्छा है,
इस सवाल में क्या बोला गया कि आपके पास में ये एक रोड थी और इसकी लेंथ आपके पास 1 मीटर थी, कब 0 डिग्री टेम्परेचर पे, 1 0 डिग्री पे, पर आपने अगर इसको ऐसे रिजर्व पे लगा दिया, यहाँ पे कोल्ड रिजर्व है वो 100 डिग्री पे है, कोल्ड रिजर्व आयर है वो 0 डिग्री पे है आपके पास, तो क्या होगा, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट आएगा, सिर्फ करंट फ्लो करेगा, हीट करंट फ्लो करेगा, तो हर एक पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो अगर आप बात करें टेम्परेचर डिस्टेंस एक्स कितना आएगा, तो अगर आप टीएक्स की बात करें, टीएक्स आपके पास यूनिफॉर्म ड्रॉप होगा, बिकॉज आपके पास में जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म है, तो वो आएगा दिस मल्टीप्लाई दिस, क्लियर। तो मैंने बोला एल लेंथ में टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है 100, 1 यूनिट में कितना हुआ 100 बाय एल, एक्स दूरी में कितना हुआ 100 बाय एल मल्टीप्लाई एक्स, ये टेम्परेचर आ गया आपके पास एक्स दूरी पे। अब हम ये बात करते हैं कि टेम्परेचर की वजह से कितना चेंज आना चाहिए था इसकी जो आपके पास में रोड था, रोड की लेंथ में कितना चेंज आना चाहिए था। अभी यहां पे क्या आ रहा है, जो चेंज इन लेंथ ऑफ रोड किसकी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वजह से भाई साहब जितना चेंज आया उतना ही किसकी वजह से, अब क्या हो, जैसे जैसे आपके पास लेंथ बढ़ेगी वैसे स्ट्रेस रहेगा आपके पास, अगर लेंथ बढ़ेगी पर ये जो एंड्स है वो बोलेंगे लेंथ नहीं बढ़ने देंगे, तो क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे आपके पास, और अगर ये फोर्स आए तो उससे लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो ऐसा और आपने किया है ना, जैसे इस वाले केस में करते थे, यहाँ पे रोड रखते थे, इसको हीट करते थे, हीट करने से क्या होता था, यहाँ से फोर्स लगने बढ़ जाता था, जो ये दीवारें फोर्स लगाती थी उससे स्ट्रेस आता, स्ट्रेस की वजह से डिस्टेंस कम होती थी, क्योंकि अगर आप किसी पे कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो लेंथ कम होगी। तो हम ये बोल रहे हैं जो चेंज इन लेंथ हुआ किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, वो किसके बराबर आएगा, चेंज इन लेंथ किसकी वजह से बच्चों, ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस। जो दीवारें जो आपके फोर्स लगा रही है उसकी वजह से जो चेंज इन लेंथ आएगा, और जो टेम्परेचर की वजह से आएगा वो दोनों में बराबर होगा, टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज होने की कोशिश करेगा और ये जो आपका थर्मल स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं इसकी वजह से ये घटाने की कोशिश करेगा। तो मैंने पहले देखा चेंज इन लेंथ कितना आता टेम्परेचर की वजह से, अगर आपके पास में ये रोकने वाली बाउंड्रीज नहीं होती, तब आप क्या बोलेंगे, सर जो डेल्टा एल आएगा आपके, जो डीएक्स डेल्टा एक्स बोल देता हूं, ये डेल्टा एल बोल देता हूं, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, तो क्या बोलेंगे आप, सर एक्स दूरी वाले पार्टिकल में जो आएगा वो कितना आएगा, क्या होता है आपके पास में एल अल्फा डेल्टा टी, तो इनिशियल लेंथ कुछ डीएक्स मान लो, हमने एक एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं डीएक्स लेंथ के, तो इस डीएक्स लेंथ के एलिमेंट इनिशियल लेंथ थी। अब आपने इसका जो कॉन्स्टेंट है वो कुछ अल्फा लिख दिया, और इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना हो, पहले जीरो था अब कितना हो गया 100 एल बाय एक्स। तो ये आपके पास में जैसे चेंज इन लेंथ इन डीएक्स पार्ट, इन डीएक्स पार्ट ऑफ रोड, रोड के डीएक्स पार्ट में चेंज इन लेंथ है बच्चों वो इतना आ रहा है आपके पास में, ठीक है, अल्फा कॉन्स्टेंट है, हाँ वो गिवन है। अब देखिए पूरे रोड में कितना आएगा, पूरे रोड के निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा, टोटल जो आपके पास लेंथ में चेंज आएगा, दैट इज इसको क्या बोलते हैं, इसको डीएल, छोटा डीएल बोलते हैं, छोटा डीएल, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास डेल्टा एल बन जाएगा, और वो कितना का 100 बाय एल, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, 0 से लेके एल तक, और एक अल्फा है, क्लियर। आप ये सॉल्व करने जाएंगे तो कितना बन जाएगा, यहां पे बन गया 50, ठीक है, और यहां पे क्या करूं 50 एल, ऐसा बन जाएगा मल्टीप्लाई अल्फा, 50 L अल्फा, ये 50 हो गया, ये L स्क्वायर बना, एक L ने इसको काट दिया, दैट इज 50 L अल्फा, ये चेंज इन लेंथ आ गया। अब यार ये तो आया टेम्परेचर की वजह से, अब अगर आप बात करेंगे उस स्ट्रेस की वजह से, तो आप क्या लिखेंगे, Y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय, ये स्ट्रेस हो गया, बाय चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। अब हम यहां पे सॉल्व करके देखते हैं थर्मल स्ट्रेस कितना आ रहा है, तो ये आ गया वाई ए डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल, तो कितना बन गया 50 अल्फा बन गया भाई साहब, ये आ गया आपके पास थर्मल स्ट्रेस। अब यार ये थर्मल स्ट्रेस जस्ट मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस बन रहा है, जस्ट बैलेंस हो रहा है आपके पास में, जो फ्रिक्शन लग रहा हुआ है एंड्स पे, उस वो फ्रिक्शन जस्ट mg को बैलेंस कर पा रहा है। तो अगर ये वाली दीवारें इस पे कुछ एफ फोर्स लगा रही है आपके पास से, मतलब ये नॉर्मल की तरह काम कर रहा है, तो यहां पे जो नॉर्मल की वैल्यू आ रही है वो इस एफ के बराबर आ रही है, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा आपके पास, म्यू मल्टीप्लाई 2n, 2n क्यों लगाया, बिकॉज इस वाले सर्फेस पे भी और इस वाले सर्फेस दोनों पे लगेगा, और ये किसके बराबर आएगा आपके पास, mg के बराबर आएगा। सवाल में क्या पूछ रहा है, वेट ही पूछ रहा है। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं फटाफट, तो ये तो बन गया 0.3 म्यू की वैल्यू, 2 n की वैल्यू कितनी है आपके पास, n की वैल्यू है y a 50 अल्फा, और डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। आप इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसकी जो रीडिंग निकल के आती है, दैट विल बी 24 kg, क्लियर है।
तो इसी के हिसाब से ये पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। कुछ सवाल इसमें अच्छे थे, मैं बताया था कौन कौन सवाल अच्छे थे, एक बार वापस गो थ्रू कर लीजिएगा। प्रॉब्लम मतलब पेपर अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पेपर अच्छा है। प्रॉब्लम वन बढ़िया है आपके पास, और प्रॉब्लम ये जो आपने 12th प्रॉब्लम था वो अच्छा है आपके पास। फिर अगर आप बात करेंगे इंटीजर का, फर्स्ट सवाल ठीक था, थर्ड सवाल आपका वर्नियर कैलिपर टू गेज की जो हम सीखते हैं वर्नियर कैलिपर उसकी प्रैक्टिस करवा देगा आपकी। फिफ्थ सवाल ठीक था, सिक्स सवाल अच्छा था, तो इसमें 5-6 सवाल अच्छे थे जैसा कि एक पेपर में होता है। तो ठीक है बच्चों, जो भी सवाल आपका फंसा हो एक बार ढंग से आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसे सीख लीजिएगा। अभी हमारा जो रिवीजन का तरीका वो यही है, पेपर होंगे आपको उन्हीं में से निचोड़ना है, जो आपकी गलतियां हैं उन्हीं से सीखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।